अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में? आई डोंट नो कि होंगे कि नहीं, लेकिन घर में हैं अपनी फैमिली के साथ। सबसे बड़ी नेमत यही है इस वक्त कि आप सब अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी कभी कभार ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, हम इंट्रो सोच रहे होते हैं कि आज क्या लिखें, आज क्या लिखें, तो दिमाग में एक चीज़ आई कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटी होती थी तो मेरी अम्मी के पर्स में मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक देखी होती थी और अब्बू ने कहा कि चलो 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 हम चलते हैं आइसक्रीम खाने या लिमका पीने। हम अक्सर लिमका पीने जाया करते थे रात को, जब भी अम्मी अब्बू का मूड हुआ कहीं बाहर हमें ले जाने का, या पान खाने या लिमका पीने चलो, क्योंकि खाना अक्सर हम अपने घर पे ही खाया करते थे। ज़्यादा हम बाहर खाने के मतलब लाइक मेरे पेरेंट्स इतने शौकीन नहीं थे, क्योंकि वो जब ऑफिस से आते थे तो उन्हें घर का खाना खाना होता था, तो अगर वो उन्होंने बाहर ले जाना होता तो कहते थे चलो लिमका पीने चलो या पान खाने चलो। तो जब भी हम जाते थे या जाने के लिए तैयार हो रहे होते थे तो मैंने अपनी अम्मी को एक लिपस्टिक पर्स से निकालते हुए देखा है और उसी लिपस्टिक से उन्होंने ये रूज बना के लगा लिया, ब्लशन लिपस्टिक लगाई, आई शेडो वो कभी लगाती नहीं थी, मस्कारा मैंने कभी उनके पास देखा नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी टेबल पर लिपस्टिक्स और ये रखी हों और ये जाके हमने लगा ली हों, या उनकी टेबल पर कोई ऐसा मेकअप रखा हो वो जाके हम लगा लेते थे। तो मेरी अम्मी के पास ये दो चार चीज़ें थी जो हो रही हैं हमेशा, और उसी से वो अपना मेकअप करके शादी में जाना हो, ऑफिस जाना हो, बाज़ार जाना हो, कहीं हमारे साथ खाने पीने जाना हो बाहर, तो मैंने वो दो चार चीज़ें देखी हमेशा जिनको उन्होंने अपनाया। हालांकि कोई ऐसा नहीं था कि वो ख़रीद नहीं सकती थी, लेकिन उनको आदत ही नहीं थी इतने ज़्यादा उस मेकअप की। और बहुत सारी अम्मियाँ ऐसी मैंने देखी हैं, पर्स से निकाली लिपस्टिक, टक 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 लिपस्टिक लगाई बगैर शीशे के, और ये गालों पर रूज लगाया और ये जा वो जा। अब तो ये आज का ट्रेंड हो गया है कि कंसीलर, प्राइमर, तो जी शिमर, तो पता नहीं कौन कौन सी पहले स्किन को प्रेप करने के लिए चीज़ें लगाई जाएं फेस पर। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स में भी डाल रही हैं कि हमारे पास तो ये है ही नहीं, हम कैसे यूट्यूब वीडियो देखकर या हम कैसे ये मेकअप क्लास देखकर मेकअप करेंगे, हम तो नहीं ख़रीद सकते। क्योंकि औरत की नेचर ऐसी होती है कि उसे सबसे आखिर में जो चीज़ है वो अपनी लेनी है, सबसे पहले वो जो उसके महाना खर्च होता है उसमें वो अपने घर का खर्चा पूरा करती है, अपने बच्चों की चीज़ें, उनके खाने पीने की, उनके स्कूल के अखराजात, अपने मियाँ की पसंद की चीज़ें, वो सब लाने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास बचते हैं तो शायद कभी वो एक मडोरा की लिपस्टिक ख़रीद ले या कोई एक पाकिस्तानी ब्रांड ख़रीद ले और वो ले आए और वो उसी से काम चलाए। फिर शादी आ रही है, शादी अनकरीब आ रही है, तो जाहिर है उसके पास तो मेकअप है नहीं कि वो अच्छा कोई हमारा शो देखकर ही मेकअप सीख ले या फिर वो कोई यूट्यूब वीडियो देखकर मेकअप सीख ले और ख़ुद कर ले, और जो सैलून में उसने पैसे देने हैं वो बचा ले। अच्छे खासे पैसे होते हैं यार, कहीं किसी मोहल्ले में 3,500 रुपये होते हैं मेकअप के पैसे, कहीं 7,000 होते हैं, कहीं 15,000 होते हैं, डिपेंड करता है आप किस इलाके में रहते हैं और किस सैलून पे जा रहे हैं। तो बहुत सारे मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी जो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम कैसे करें, हमारे पास तो ये है नहीं मेकअप, हम कैसे करें ये वाला मेकअप। तो आज मैंने सोचा यार कुछ ऐसा किया जाए कि मेरा काम है हर किसी को खुश करना, मेरा काम है हर जो हमारा देखने वाला व्यूअर है उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरना। तो कभी हम किसी तरह के शोज़ करते हैं, कभी हम किसी तरह के शोज़ करते हैं, कभी हम मेकअप के शोज़ करते हैं, और मेकअप के शोज़ बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, इसका अंदाज़ा मुझे रेटिंग से पता चल जाता है। जितने भी लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं ये तो हर वक्त कोरोना का दौर है, मेकअप करिए, कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है यही कि वो खुद कुछ अगर नहीं कर सकते मेकअप तो वो देख के ही एंटरटेन हो जाते हैं। ये मैं कुछ ख़वातीन की बात कर रही हूँ जिनको मैं केटर कर रही होती हूँ और उन्हीं के लिए ये ख़ास शो डिज़ाइन किए जाते हैं। आज का शो एक ख़ास शो है, आज का शो उन नाज़रीन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है जिनके पास अगर बजट होगा सिर्फ 4 चीज़ों का, उन 4 चीज़ों से हम उन्हें मेकअप कराना सिखाएंगे। वो 4 चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मैं आपको शॉप्स के नाम भी बता दूंगी, मैं आपको ये भी हेल्प आउट कर दूंगी कि कहाँ से मिलेंगे। तो आज का मेकअप वो मेकअप होगा जो आप खुद अपना कर सकते हैं। मैंने अपनी अम्मी को देखा एक चीज़ से बहुत सारे काम करते हुए, तो आज 4 मुख्तलिफ चीज़ें होंगी जिनसे हमारी ब्यूटिशंस, जो पाकिस्तानी चीज़ें होंगी, पाकिस्तान में मिलने वाली चीज़ें होंगी, उनसे हमारी ब्यूटिशंस आपको मेकअप सिखाएंगी कि मेकअप एक्चुअली होता कैसे है उन 4 चीज़ों से। आप देखिए बहुत सारी चीज़ों को आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे फॉर टमाटर है, टमाटर खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, आप फेस पे भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी इतने मज़े का उसका जूस भी बनता है, आप उसको खा भी सकते हैं, उसको डिज़र्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका फेस मास्क बना के फेस पे भी लगा सकते हैं. बादाम का देख लीजिए, बादाम अगर आपको मैं कहूँ, आपको हमारी जो मुख्तलिफ हर्बलिस्ट आती हैं उन्होंने भी बताया है कि बादाम बहुत अच्छा स्क्रब होता है. अगर आप बादाम को पानी में मिला के या बादाम को दूध में मिला के अपने फेस पे स्क्रब करते हैं तो आपकी डेड स्किन ख़त्म हो जाती है. तो बादाम खाने के काम आता है, उससे दिमाग तेज़ होता है और बादाम लगाने के भी काम आता है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन उठा लें, वो भी मल्टीपर्पज़ है, वो आपके रबते के काम भी आता है और वो आपके अपने पढ़ने के काम भी आता है. आप उसमें गूगल खोल सकते हैं, आप स्मार्टफोन में तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. अपनी बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज जो आपको समझ नहीं आ रही उसका हल आपके मोबाइल के पास होता है. अब आपको अपनी अम्मी और सास को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी रेसिपीज़ आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सीख सकती हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो एक से ज़्यादा चीज़ों के इस्तेमाल में आती है. यानी आपकी जो नंद है वो कभी कभी आपकी दोस्त भी होती है, कभी कभी आपकी शदीद दुश्मन भी होती है. तो आपके जो करीबी इंसान है वो भी आपके लिए सिर्फ एक मर्ज की दवा नहीं बनते, वो बहुत सारी चीज़ों की दवा भी बन जाते हैं. तो आज का शो है सबके लिए, जो चाहे इसे ग्रैप करना, इसे जस्ट करना वो कर सकता है. क्योंकि ये शिकायत मैं दूर करने जा रही हूँ आज के शो से कि महंगी चीज़ों से मेकअप सिखाया है तो अच्छा ही होगा. अब ये चीज़ें आपको इसलिए सिखाई जा रही हैं कि ऑब्वियसली खर्चे कम करने पड़ेंगे, हमें अपने खर्चे कम करने हैं. अभी आना जाना सब ख़त्म हुआ है, लेकिन जब भी आना जाना खुलेगा तो सैलरीज और ये सारे नुकसान जो हुआ है उन सबको दोबारा वापस अपने फॉर्म में लाने के लिए आपको हर चीज़ का ख़र्चा जो है कम करना पड़ेगा. चाहे वो आपके खाने पीने का ख़र्चा हो, चाहे वो आपके घूमने फिरने का ख़र्चा हो, चाहे वो आपने अगर एक्स्ट्रा मुलाजमीन अपने घर पर रखे हुए हैं उनका ख़र्चा हो, तो बहुत सारी चीज़ों की कमी आपको अपने ख़र्चों में लानी होगी अपने हालात से लड़ने के लिए. क्योंकि हमें कोरोना से ना डरना नहीं है, लड़ना है. तो कोरोना से लड़ने में सिर्फ ये बीमारी से लड़ना नहीं आ गया है, जो हालात उससे क्रिएट कर दिए हमारे इर्द गिर्द ये उससे लड़ने की बात भी हो रही है. तो मैं आपको बताऊंगी कि वो चार चीज़ें, अगर आपकी बेस ख़त्म हो रही है तो आपको क्या ख़रीदना है, कौन सी बेस ख़रीदनी है. अगर आपकी लिपस्टिक ख़त्म हो गई है तो कोई प्रेशर नहीं डालना मियाँ पे, आपने गुजारा इन चार चीज़ों से करना और आप कर सकती हैं. ये मैं आपको आज के शो में सिखा रही हूँ और दिखा रही हूँ. छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ कम खर्च बाला नशी देखने के लिए. गुड मॉर्निंग. के साथ जो गेस्ट हैं वो आपके फेवरेट गेस्ट हैं. हमारे साथ नादिया हुसैन है. अस्सलाम वालेकुम. सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. हमारे साथ बड़े दिनों बाद नाजिया मलिक हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हो? ठीक ठाक. मिस्का है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. और हमारे साथ दिनेश परवेज हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? ठीक ठाक. थैंक यू सो मच कि आप लोग आ जाते हैं. ऑब्वियसली सैलॉन्स तो बंद हैं, लेकिन वो भी डर के मारे जो है बहुत सारे लोग निकलते भी नहीं ना घर से. नहीं अभी तो हम खुद भी बहुत कॉन्शियस हैं. हाँ. मैं भी नादिया से ये बात कर रही थी, मैं खुद भी कॉन्शियस हूँ कि भाई आपके पास कोई ऐसा ना आ जाए, क्लाइंट ना आ जाए जिसको अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ हो तो हाँ. वो आप तक मुंतकिल ना हो. सो वी हैव टू बी केयरफुल. एंड सेकेंडली ये कि थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग. आज जो है एक वो बहुत ही चैलेंजिंग शो है आप लोगों के लिए. ऑब्वियसली क्योंकि आप लोगों को आदत होती है कि एक एक चीज़ के लिए आप अपने सैलून में भी अपने जो जितने भी लोग आ रहे होते हैं, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ इस्तेमाल करते हैं ज़ाहिर है अपने सैलून में. तो एक आदत बन गई होती है कि नहीं प्राइमर भी लगाना है, स्किन को भी तैयार करना है, तो ये वाला मस्कारा, तो वो वाला आईब्रो. तो इसलिए उस चीज़ से हटा के मैं इसलिए आप लोगों के लिए चैलेंज कह रही हूँ कि आज मैं उन नाज़रीन को केटर करने वाली हूँ. ज़्यादातर मुझे असल में कंप्लेन क्या होती थी हर दफ़ा, क्योंकि हमें हर तरह के लोग देते हैं और हम हर तरह के लोगों के लिए प्रोग्राम करते हैं और उनकी आसानियाँ पैदा करने के लिए हम प्रोग्राम करते हैं. तो हमेशा आती थी कि हम मेकअप करना चाहते हैं ख़ुद और जब हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम सैलून जा सकें, लेकिन हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये जो आपने सिखाया है ये सारी प्रोडक्ट्स हम ख़रीद सकें. और ये कहाँ से मिलती हैं, ये बाहर से मिलती हैं, हम कैसे ख़रीदें, हमारे पास तो इतना बजट नहीं है. तो
तो चाहे मिडिल क्लास की भी खवातीन होती थी उनकी ये एक होती थी कंप्लेन, तो मैंने कहा आज उनकी कंप्लेन मैं दूर कर दूं। मैंने आप सबसे से रिक्वेस्ट की कि कुछ चार चीज़ें ऐसी हों जो पाकिस्तान में अवेलेबल हों और यहाँ शॉप्स पे मिलती हो। नॉट दैट के हर कोई ले भी नहीं सकता, अक्सर ये भी होता है कि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन होती हैं या इवन इफ यू आर एट होम, तो इतना टाइम भी नहीं होता कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करें। जैसे मैं अभी इंट्रो में अपनी अम्मी का बता रही थी, मेरी अम्मी पीटीवी की डायरेक्टर थी, तो उनके पास तो बहुत मेकअप होना चाहिए क्योंकि इतनी ग्लैमरस जॉब भी थी। वो मैंने उनको हमेशा एक लिपस्टिक पर्स से निकालते हुए देखा, वहीं गालों पे लगाया, लिपस्टिक लगाई और फॉरेन ऑफिस भागी। जाहिर है बच्चों को संभालना, घर देखना, फिर पीटीवी की जॉब करना, तो वो एक अच्छी हाईली क्वालिफाइड खातून थी लेकिन वो एक लिपस्टिक से अपना गुजारा कर रही होती थी। अच्छा, मैंने भी अम्मी को इसी तरह ही देखा और इसी तरह लर्न भी किया कि लिपस्टिक से कैसे आप अपनी चीक्स को जो है पिंक कर सकते हैं। आई थिंक सबके एक्सपीरियंसेस होंगे। और वो जमाने में कोई चीज़ें ज़्यादा लगाते हुए कॉम्पैक्ट होता था उनके पास, ज़्यादा से ज़्यादा मस्कारा और लिपस्टिक। मैं तो कभी उनके पास आई शेड्स भी नहीं देखी। हाँ, तुम्हारी अम्मी भी वर्किंग लेडी लगती है मुझे देखने से लाइक है, तो वो आई डोंट थिंक सो कि उनको भी मैंने ज़्यादा मेकअप लिपस्टिक के अलावा किसी मेकअप में देखा है अभी भी। हाँ, लिपस्टिक एंड ब्लश ऑन है ना, लिपस्टिक एंड ब्लश इज बेसिक। और मतलब अगर उनको कभी उससे ज्यादा करने की जरूरत पड़े तो फिर वो मस्कारा लगाती हैं ना। अच्छा। वो लाइनर लगाती हैं ना वो कुछ और, क्योंकि अच्छा। उनकी वो उनको बिल्कुल और हमेशा से। हाँ, हमेशा से, हमेशा से। तो ये हमारी अम्मियाँ जो है लाइक उसी तरह बहुत सारी और खवातीन भी हैं जिन्होंने घर के बहुत काम संभाले हुए हैं और शायद वो नौकरियाँ भी कर रही हैं, तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑफिस जाने से पहले फुल फ्लेज मस्कारा और लाइनर। और ये वो लड़कियाँ हैं जिनके भी बच्चे नहीं हुए, वो ऐश कर रही हैं अभी, वो फुल तैयार होके जा रही हैं। सुनो, बच्चे मेरे भी नहीं हैं तो तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी तो पहियों पे है। मैं कहती हूँ ये पहियों पे ही पैदा हुई है, उसके बाद इसको मैंने पहियों पे ही देखा है। अभी भी हर ये होता घर भाग इधर भाग नहीं, आज का घर में ही भाग रही होती है। तुम्हारा मियाँ है ना तुम्हारा बच्चा। हाँ, वो exactly. की बात है। और वो घर में जो है मतलब उसके एवरी डे फरमाइशी प्रोग्राम जी, कल बिरयानी, उसके बाद बर्गर yes. जी, फिर समोसे, फिर ये, फिर वो, फिर खाओ से। तो मतलब रमजान शुरू हो रहा है ना, फरमाइशें खत्म हो जाएंगी। नहीं नहीं, फरमाइशें बढ़ती है इफ्तारी में, खाने सहरी में। जो वो इफ्तारी के बाद उनका रूटीन होती है खाने की, फिर वो अब तो जारी पता है सुबह का काम ही नहीं है, तो वो भी सहरी तक वही चलेगी। फिर वो मजीद अभी से शुरू हो गए फरमाइशी प्रोग्राम। तो मैं बात ये करी थी कि खवातीन एक्चुअली भी अगर उनको कोई चीज खरीदनी हो तो उनका नंबर सबसे आखिर में आता है, पूरे घर के अखराज निपटाने के बाद जो फिर अगर पैसे बच जाए, और कभी बचते हैं कभी नहीं भी बचते, तो फिर वो शायद एक लिपस्टिक खरीद लेंगी, शायद एक ब्लशन खरीद लेंगी या मस्कारा खरीद लेंगी। तो मैं अगर तुम चारों से पूछूं कि कौन सी ऐसी चार चीज़ें हैं, जाहिर सबकी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे कि ये चार चीज़ें मेरे लिए मस्ट हैं, तुम्हारे लिए अलग होगा, तुम्हारे लिए अलग होगा, प्लीज़ मुझे नादिया तुमसे शुरू करते हैं। कौन सी चार चीज़? मैं तो अपने ही अब वो पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे ना तुम्हारे तो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैं अपने ही ब्रांड की बात करूंगी और मेरा अपने ही ब्रांड की जो भी चीजें हैं मैं इस्तेमाल करूंगी। तो मैं अपना इस्तेमाल कर रही हूँ फाउंडेशन, ठीक है जो अभी अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया यही लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, लेकिन मैं अपना फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ, अपना जो है ये अपकमिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, और अपना ये मस्कारा एक इस्तेमाल करूंगी और लिपस्टिक, दैट्स इट। ठीक है, इससे तुम्हारा तुम कह रही हो तुम्हारा लाइक मेकअप हो जाए। हाँ, अगर आईब्रो की जरूरत हो आईब्रो मस्कारा मस्कारा से ही। हाँ, लाइनर की जरूरत हो मस्कारा से। वाह, तो ये अब यही तो मुझे सिखाना है लोगों को कि एक चीज से आप उसके कितने ज्यादा मतलब एक मल्टीपर्पज बना सकते हैं आप एक चीज को। तो यही मैं आप लोगों से सीखना चाहती हूँ। इसका तुम क्या क्या इस्तेमाल कर रही हो? तो मैं अपना एक लिप टिंट यूज कर रही हूँ जो मैं अपने चीक्स पे भी यूज करूंगी। लिप टिंट जो है वो यहाँ अवेलेबल है जी बॉडी शॉप का है, तो वो आप आराम से ले सकते हैं। मैं अपनी आईज पे भी ये यूज करूंगी, उसके बाद मैं अपनी कॉन्टोर स्टिक यूज कर रही हूँ, ये काफी फेस पे जाएगा। हाँ। और उसके बाद आप कोई भी काजल ले सकते हैं, डजंट मैटर कि वो कौन से ब्रांड का है।
और उसके बाद मैं अपना एक अपने कलर का कोई भी लाइट फाउंडेशन स्लैश कंसीलर, ये कौन सा कंसीलर? ये डर्मा कलर का, तो ये भी मिल जाएगा जी, ये भी तो ये चार चीजें तुम इस्तेमाल कर रही हो। यस, मस्कारे की तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना लगे तो नहीं, वो मैं इससे ही करूंगी मस्कारा। अच्छा, लाइक आई जस्ट डैब इट, बट मैं पर्सनली अगर मेरे पास नहीं हो तो मुझे इतना मसला नहीं होता। इधर है नहीं मिस्का, उधर ही कैमरा, उधर है, उधर है, मैं बार-बार मिस्को को याद दिलाती हूं, इधर कोई नहीं है तुम्हें देखने। आई स्टार्ट टॉकिंग टू हर, तो अगर मेरे पास मस्कारा ना हो तो मेरे लिए मसला नहीं होता, तो आई विल जस्ट यूज दीस थिंग्स। ओके ठीक है जी, नाजिया क्या करेंगी? ऑलराइट, मैं जो इस्तेमाल करूंगी चीजें बताती हूँ। देखो मैं शुरू से ही एक मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, दैट इज मैक, लेकिन ये नहीं कहते मैक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैक बिल्कुल अवेलेबल है इधर, और हिनास कॉस्मेटिक से मिल जाता है, हाँ, नाहिद स्टोर से भी मिल जाता है, और लाहौर में तो, और इस्लामाबाद में मुझे नहीं पता था कि इतने वहाँ पे ब्रांड्स मिलते हैं। अच्छा, वहाँ पर सब ब्रांड्स मिल रहे होते हैं, हाँ, लेकिन ये तो बहुत कॉमन है वहाँ, हाँ, पर। और इसकी प्राइस अगर देखी जाए तो मुझे नजर नहीं आया, अर्बन डिके नहीं आया, कैटमोंडी नहीं आया, लेकिन अभी बाकी नार्स वगैरह आ गए हैं, उनमें मिल जाता है। ना देख, डर भी लगता है ना कि दो नंबर ना हो। हाँ नहीं, बड़े स्टोर्स में दो नंबर तो नहीं होता, नहीं आपको पैकिंग उसका पता चल जाता है जो आपको उनके पास स्टॉक होता है वो। अच्छा, देखो दिस इज अ वेरी कॉमन ब्रांड मैक, अब आप ये नहीं कहते कि जी बड़ा एक्सक्लूसिव और जी वो है हर जगह पे मिल रहा होता है। अब मैक को कम लोग पूछ रहे होते हैं, उसकी वजह ये कि अब इन्होंने, मैंने कभी नहीं देखा था मैक ने सेल लगाई। मैं एम्स्टरडम गई थी, वहां पे मैक ने 25% सेल लगाई, मैंने कहा है ये दिन आ गए। भाई सेफोरा में पहले नहीं होता था, अब ये वहां पर भी आ गया है, क्योंकि ये पहले बड़ा एक्सक्लूसिव, लेकिन अब इतना मुकाबला, अब आप जाएं बाहर मैं बताऊं कि अब इतने ब्रांड्स हैं कि बहुत ज्यादा, तो कॉमनली मैं इसलिए लोगों को बता रही हूं कि लोग पहले मैक के जो मेकअप करने वाले हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको मैक के आई शेडोज की आदत थी, वो किसी और को छूते नहीं थे। अब हुदा आ गया, हुदा ने ऐसा टफ टाइम दिया है। हाँ, हुदा आ गया, फिर अगेन आपका जो टार्ट बहुत अच्छा है, देन ग्रैथ, आई लव पैट मैकग्रैथ, इज उसके जैसे हर किसी का उनका मैक है, वैसे मैं इंग्लॉट बहुत यूज करती हूँ, और अच्छी बात यही है कि उसका एक प्रॉपर अवेलेबल है यहाँ पे, इंग्लॉट बहुत प्रोफेशनल भी, एट द सेम टाइम उसकी जितनी भी चीजें वो आप मल्टी उसके साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्किन वेरी करता है आपकी, स्किन टू स्किन, जैसे मैंने मैक, क्योंकि मुझे पूरा दिन लगाना होता है, तो इससे मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी भी ना ब्रेकआउट नहीं हुआ। अच्छा, मैं कोई और प्रोडक्ट लगा लूँ, अब तो फिर नार्स या कैटमोंडी भी यूज करूँ तो ब्रेकआउट नहीं होता, लेकिन इससे तो बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट चेंज भी किए, लेकिन मैं इस वक्त लोगों को ये बताना चाह रही, साथ में क्रायलॉन का ये ऑल टाइम फेवरेट का कौन क्या इस्तेमाल कर रही बताती हूँ। लिपस्टिक होगी विच इज डार्कर कलर, देन आई विल बी यूजिंग मैक का ही पाउडर है, पर मैं इसको कॉन्टोरिंग के तौर पे यूज करूंगी, ठीक है, और क्योंकि आई लव कॉन्टोरिंग। अच्छा, सेकेंडली फिर मैं पाउडर यूज़ करूँगी, फाउंडेशन नहीं, क्योंकि सर्दियों में मैं बिल्कुल अलग मेकअप करती हूँ अपनी स्किन के लिए बता रही हूँ, और गर्मियों में बिल्कुल अलग, गर्मियों में मेरा सिर्फ पाउडर होता है। अच्छा, ताकि जब मैं बाहर जाऊँ तो ये अपने ही मेरी स्किन को जो है वो लेगा, और मेरे पास ऑप्शन नहीं था इस वक्त, तो आई कुडंट हेल्प इट, मुझे एक चीज़ चूज़ करनी थी और पाउडर मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। फिर मैं क्रायलॉन का ये तो आपको पता हर जगह पर ही अवेलेबल होता है, लाइनर है, इसी लाइनर से ही मैं आई शेड भी बनाऊंगी, इसी लाइनर से मैं सब चीजें, तुम वही जो ब्राउन वाला कलर है तुम्हारा कॉन्टूर का, उसी को तुम ब्लेंडिंग में, इसीलिए मैंने वो चीजें ली, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे जो अपने फेस में मजा आता है वो मुझे आता है कॉन्टूरिंग और अपनी आंखें बनाने में, तो लिप जो है या ब्लश ऑन मेरे लिए इतना ज्यादा वो नहीं, और तो वो लिपस्टिक से भी वो कर सकती हूं, हां बट वो बहुत टिंट सा दूंगी मैं उसको, ज्यादा वो नहीं करूंगी ब्लश ऑन, मैं कॉन्टूर को ज्यादा, मेकअप की ना अलग क्राइटेरिया होता है, सबके ऊपर सूट अलग चीज कर रही होती है। अच्छा, ये मुझे जो ग्लैम मेकअप है ना, जरा आजकल मैं जरा ज्यादा कर रही हूँ, तो मुझे मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, बड़े अच्छे से मैंने इतना ग्लैम मेकअप किया नहीं था, वो इसी वजह से जाते थे सैलून, बस वहां पर काम किया के थक हार के फिर बैठ गए, तो अब ये कि बहुत टाइम मिल रहा है, ये कर रही होती हूं, आई मेकअप करके सुबह बैठ जाती हूं, कैसे आप क्या खाएंगे, वीडियोस बना रही होती हूं ना, जा रही हूं मैं, चलिए मैं आपके लिए ऑमलेट बनाऊं ग्लैम मेकअप के साथ, मैं ऐसे करती हूं लिटरली, मैं पूरा तैयार होकर किचन में जाती हूं, सुबह उठ के नाजिया माने क्या करती हैं जी, सुबह उठ के मुंह हाथ धो के तैयार, उसके बाद अपना ग्लैम मेकअप, ग्लैम मेकअप सामने मोबाइल, और उसके बाद फिर ट्यूटोरियल्स, और जब पूरा काम हो जाए, अच्छा ठीक, चलिए अब हम किचन में,
देखो जिंदगी में कितनी तुम्हारे पास चार चीजें Yes, वो कंसीलर वगैरह नहीं लगाना नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी ग्लैम मेकअप चाहिए कंसीलर नहीं हो कोई बस देखो तो सही तो देखो स्किन अच्छी हो ना साफ सुथरी हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की तो ये स्किन का ख्याल रखें मैं लड़कियों को बहुत ताकीद करती हूँ क्लेंजिंग जरूर करें आप अपने घर पे बैठकर फेशियल्स करें आप घर पे बैठकर कर सकती हैं पर टेक केयर ऑफ योर स्किन क्योंकि स्किन अच्छी है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जितना भी मेकअप कर लें मगर आपकी स्किन अच्छी नहीं हो तो फिर वो डजंट लुक गुड बीनेश क्या कर रही है चुप बैठी हुई है लगता है तुम तुम्हारी जबान भी कर मौका तो दो जरा फिर देखो मौका दो आज मैंने कहा बीनेश चुप है भाई कल आपकी टीम की कॉल आई ठीक है नादिया तो सेव हो जाती है उनका अपना ब्रांड है हम क्या करें ठीक है वो मैडम जो है वो मैक इन्होंने मुझे कल फोर्स किया नहीं आपने तो लोकल प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करने की बात की थी लोकल नहीं बट दे फोर्स मी दे लाइक नो यू कांट यू नहीं है मुझे तो खुशी हुई कि आपने बताया किसे बीनेश है जो ला रही है बडोरा की लिपस्टिक हां बिकॉज़ जितनी खुशी हुई मैंने कहा ये आपकी जो बंदी मुझे फोन करती है ना मुझे कहती है हम आपके लिए चीजें लोगों को मिली नहीं उनके पास थी नहीं मैं क्या हम आपके लिए चीजें खरीदने जा रहे हैं हम आपके लिए लिपस्टिक लेंगे तो बताएं क्या करना है मैंने कहा मेडोरा ले लो मैं बहुत पसंद मेडोरा लगा लेंगी आप मैंने कहा क्या हो गया बेटा मतलब इट्स ओके मेडोरा पाकिस्तान में जितनी चीजें अवेलेबल है आई थिंक अच्छा मैं एक चीज बता दूं मैं बिल्कुल ले आती अपने पाकिस्तानी ब्रांड या जो पाकिस्तान में सस्ते ब्रांड जिन्हें हम कहेंगे क्योंकि हर चीज यहाँ पर बनती तो नहीं हम बाहर से मंगाकर पैकेजिंग कर रहे होते हैं बट द सीन इज दिस के मैं ले आती अगर मार्केट्स खुली हुई होती तो मुझे एक्चुअली स्पेसिफिक शेड्स चाहिए थे वो शेड्स नहीं थे मेरे पास वरना मैं तुम कहती मैं कहती हाँ ठीक है जाकर ले आते हैं क्योंकि देखो ना तुम लोग हर किसी की हेल्प करते हो बेसिकली दिस इज मतलब लाइक हेल्प कि आप लोग आकर ये बता रहे हो अपने टेक्निक्स आप दूसरों को बता रहे हो आप अपने फैंस को केटर कर रहे होते हैं ऐसे तो एक एक क्यों एरिया छोड़ दो फैंस का वो उन लोगों को भी फायदा हो इसीलिए मैंने आज का शो नहीं आप क्लाइंट्स में भी आई एम श्योर नादिया वुड अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आपका आपसे जब अगर एज अ क्लाइंट वो बैठे हुए हैं वो आपसे सर्विसेज करा रहे हैं दे आर नॉट अफोर्डिंग कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज आपके सैलून पे छोटा क्लाइंट भी क्लाइंट है बड़ा क्लाइंट भी क्लाइंट है तो बराबर है ना दायरा अगर नादिया बैठी हैं और वो उनसे पूछ रहे हैं कि जी नादिया मुझे आप बताएं फलां लिपस्टिक लेनी है मुझे मैं कौन सा कलर लूं और वो उनको कहें जी आप मैक लें अगर वो एकदम से नादिया से कह दें जी मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली नादिया उसको वो वाला सोल्यूशन देंगी ना जो वो अफोर्ड कर सकती है सो यू नो वी आर देयर टू प्रोवाइड सोल्यूशंस वी आर नॉट देयर के भाई ये नहीं और मेरे तो बल्कि बहुत दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो अगर कराची की ही होती हैं या अगर बाहर मुल्क से भी आती हैं और बहुत दफा दुबई वगैरह की क्लाइंट्स यू नो जो मतलब अभी रिसेंटली दिसंबर के महीने में जो शादी का सीजन था तो उसके अंदर एक क्लाइंट थी जो आई थिंक मैनचेस्टर से आई थी अच्छा ओ माय गॉड उन्होंने तो जो जब मैं उनका मेकअप कर रही थी तो उनको ये भी कलर पसंद आया उनको हाइलाइटर भी पसंद आया उनको मस्कारा भी पसंद आया उनको ये भी पसंद आया वो लिटरली आई थिंक तीन दिन वो आती रही मेकअप के लिए और हर दिन उन्होंने इतना मेकअप खरीदा मेरी अपनी ब्रांड का क्योंकि वो मेरे सैलून पे अवेलेबल था तो एंड शी वाज लाइक मैं तो अपनी दोस्त के लिए ये लेके जा रही हूँ मैं अपनी दोस्त के लिए वो लेके जा रही हूँ दैट्स हर्ड रियली गुड थिंग्स अबाउट हर द शिमरी आईशैडोस एंड आई हैव नेवर गॉटन द चांस टू बाय इट आई एम सो सॉरी बट यू नो Are you selling it online right now? हाँ हाँ online भी available है और online actually पूरे पाकिस्तान में available है तो ये best चीज है कि अभी जो है वो आप website पे जाके आराम से उसको order कर सकते हैं ये देखिए ये एक अच्छी चीज हो गई सबके लिए कि अगर आप इस वक्त quarantine में भी बैठे हुए हैं तो आप एटलीस्ट नादिया का brand तो तुम्हारे पास कौन सी product मेरे पास जी उन्होंने एक मेडोरा की लिपस्टिक दी है कौन सा कलर है मैंने का जो अवेलेबल है ले आओ बच्चों आपको बताऊँ क्यों क्योंकि जो लोग आपके पाकिस्तानी ड्रामों में मेकअप आर्टिस्ट रह चुके होते ना वो किसी भी चीज से मेकअप कर सकते हैं बिकॉज हम लोग कभी कभी ऐसी जगहों पे स्टक होते हैं कभी कोई यू नो रोड है कभी क्या है कभी कुछ अवेलेबल है कभी कुछ अवेलेबल नहीं है
कहाँ शूटिंग्स होती हैं हमारी और वहाँ वहाँ मेकअप आर्टिस्ट फिल्में कर लें, ड्रामे कर लें, आप ऐसे हो जाएंगे, आप पत्थर से भी मेकअप करना शुरू हो जाएंगे. अच्छा सही है. देन आई हैव द स्टिक 36 ठीक है, मैं टैन हूँ तो मुझे ज्यादा गोरा होने का शौक भी नहीं है, तो मैंने कहा चलें 36 ही उठा लें. ठीक है, एक ये है, एक नोने जी मेबेलिन का कोई मस्कारा है. हाँ, वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाएगा. हाँ, इजीली अवेलेबल होता है किसी भी, इवन आप यूटिलिटी स्टोर, अभी तो आगाज ये तो खुला हुआ है, आपको लॉरियल के भी रैक्स मिलेंगे और मेबेलिन के भी मिल जाएंगे. अच्छा, और फिर ये कोई आईब्रो पेंसिल है बी क्यूट की, कलर काफी है, काफी डार्क है लेकिन खैर. So, ये है. इसको भी तुम बेस से लाइट कर लोगी बहन, मुझे पता है. So, I'll manage in that. मैंने जानबूझ के वही सारे ब्रांड्स उनको बोला जो मार्केट में अवेलेबल है वो उठा लो. I'll manage. तो ये है आज की कहानी, ये है जनाब कि हम बिजनेस में तुमसे ही शुरू करें. तुमसे ही शुरू करें, तुम्हारे पास सारा वो प्रोडक्ट्स का इम्तिहान, उसके ऊपर से ये इम्तिहान, तो अब यही तो है, तो इसी इम्तिहान के जरिए तुम लोगों को समझाओ सिखाओ कि क्या करें. हम ठीक है, हम एक एक करके करेंगे क्योंकि जाहिर है इतना मेकअप तो है नहीं, तो हम पहले बिजनेस से शुरू करते हैं कि ये क्या करती है. आ जाते हैं जी, और आप तीनों भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं गुफ्तगु में. खाली मैं होस्ट नहीं हूँ, मेरे साथ और तीन होस्ट भी. अच्छा, अब बेस का ये है कि देखें, अच्छा मेरी चेयर घूम रही है तो आवाज आ रही है. अच्छा नहीं, मजा आ रहा है ना चेयर घुमाने में, सब घुमा रही है. तो वो मुझे भी इन करिए प्लीज, चेयर ना घुमाए वो अजीब लग रहा है. सिर्फ नादिया को मैंने देखा, सिर्फ इसको सीरियस ले बैठी है. नहीं मैं घूम रही हूं हल्की हल्की. हां, उसकी घूमने नहीं होगी, रोक सकती, रगड़ नहीं होगी उसकी. ये एरिया वो काफी देर से अपने पांव नीचे रखने की कोशिश, वो बच्चे ना उनकी साइकिल जो है वो छोटी हो जाती है और उसी पे चलाते हो. हां जी, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं. ये ब्रशेस अच्छा, ले गए शुरू करेंगे, ब्रशेस भी ले गए जालिम. नहीं ब्रशेस तो दे दो भाई. नहीं ब्रशेस तो ले सकते हो, ब्रशेस दे दो आप लोग फिंगर ने नहीं रुके. आज अब इम्तिहान ले रही है तो पूरा ले. एक मिनट ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी शुरू होगी लेकिन कुछ मिनट बाद. तो आप तैयार रहिए, ये चार चार चीजों से आपको मेकअप करके दिखाएंगे और कैसे लगेंगे ये अल्लाह जानता है, पता नहीं. ब्रेक के बाद अच्छे लगेंगे. सच्ची बात है, मुझे नहीं आता लेकिन इनका काम है इन्हीं को सांझे. आइए हम साथ मिलकर सीखते हैं कि चार चीजों से मेकअप कैसे हो सकता है किफायतशारी. इस वक्त बहुत जरूरी है इन हालात में. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज सरप्राइज आप लोगों के लिए है कि आज हम आपको चार चीजों से मेकअप करके सिखा रहे हैं कि इनसे भी मेकअप एक्चुअली हो सकता है, आपका गुजारा हो सकता है. आप इसको मेकअप को लगा के शादी में भी जा सकते हैं, ये तो आपको ग्लैमरस मेकअप दिखाने वाले. हाँ, शादी में अगर आजकल नहीं भी जा रहे, जैसा मैंने बताया शादी में तो खैर आजकल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है. वो कहता है ये जो ना तुम क्लोन कर लेती हो, पहले तुम कुछ और होती हो बाद में तुम्हारा क्लोन आ जाता है. कहते ये कौन सी वाली नाजिया मुझे बताओ. ठीक है ना, ये सही है. तो कोई बात नहीं, हम आपको आप घर में ही, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप घर में तैयार रह सकते हैं एक महीने से. आपके हस्बैंड आपके वो चीथड़े वाले कपड़े जो तीन तीन रंग के कपड़े हैं वो देखकर अक गए हैं. मुझे आया है, उनकी कंप्लेन आई है मुझे. मेरी दोस्तों के हस्बैंड ने फोन किया, खुदा के वास्ते कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, मैं घर पे तैयार रहती हूं, बहुत जरूरी है. नहीं मेरे मियां को नहीं पसंद ना वो, जब सुबह सुबह उठने वाला भी जो है ना वो उनको ये होता है जब उनकी आंख खुले तो बिल्कुल तैयार. आप बताए किस मियां को पसंद है कि बीवी जो है यहाँ से उसकी उठी और राल टपक रही हो. किसको पसंद है, किसी को नहीं पसंद. लेकिन देखो ना, सिर्फ हम फिर औरतों की क्यों कंप्लेन करें, औरतों को भी नहीं पसंद कि मियां जो है पूरे दिन में गंदे बनियान. और बहुत साबिर हैं अल्लाह ताला ने, माशाल्लाह से मेरा मियां खुद बहुत ख्याल रखता है. वो मतलब अच्छा खासा, मतलब दो दो तीन दिन दफा नहाता धोता है. उसके अलावा ये कि वो उठते ही मतलब अपना मैंने तो अपने मियां की बनियाने जला दी. मैंने कहा एक्सरसाइज करने के बाद भी वो फिर अपना मतलब जिम उसका, फिर बाहर वॉक माशाल्लाह माशाल्लाह से, मतलब कि घर पे जिम, मतलब वो ये बाहर वाला जिम नहीं, घर वाला जो है जिधर उसकी साइकिल उसका ट्रेडमिल ये सब चीजें जहाँ पर है, फिर वो अपने उसके डंबल्स वगैरह जो वो अपना वो खुद अपनी जो एक्सरसाइज. रबड़ की चप्पल है ना वो जो पहन के बाथरूम भी जाते हैं उसके बाद कमरों में भी जा रहे होते, वो भी जला दे. वो गंदी रबड़ की चप्पल जैसे कि टक चक चक आवाज आती है. तो जी यहाँ बीनेश जो है वो आपको मेकअप सिखा रही है. अच्छा, चार चीजों से. जी आइए, ओवर टू बीनेश. टीवी स्टिक ली, ठीक है.
सबसे पहले आंखों के बैकग्राउंड में मैं आ रही हूँ, आंखों के नीचे आपने अजीब लग रहा है मीनिश, कितनी प्यारी लग रही है तू कसम से, बगैर मेकअप के हाँ ऐसे भी प्यारी लग अच्छी स्किन है ना, ऐसे भी दिन आएंगे सोचा नहीं था कि बगैर मेकअप के स्क्रीन पे आएंगे, मैं बिल्कुल ऐसा लगा जैसे तुम्हारे निदा ने आदत डाल दी हमें वैसे, निदा ने आदत डाल दी निदा ने नहीं, क्वारंटाइन ने सबको हर किस्म की आदत डाल दी, लाइक इवन व्हेन वी आर डूइंग वीडियो चैट्स विद फ्रेंड्स वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम लाइक ऐसे ही है भाई आईब्रो बड़े हैं, इट्स ओके। अच्छा ये तुम क्या कर रही हो, बेस कर रही हो? हाँ ये बेस कर रही हूँ, बेसिकली देखिए मेरा ये वाला हिस्सा जो है हल्का सा ओवरऑल स्किन से डार्क है, अंडर आई कंसील करने की जरूरत है, वैसे पूरी स्किन साफ है लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे और बहुत ज्यादा बेस की मुझे वैसे भी आदत भी नहीं है, पसंद भी नहीं है। अब ये देखिए जिस तरह बीनेश अपने स्किन पे जो है ना वो फिंगर से स्टिक ले लेकर और वो लगा रही है ना, जरूरत है आप लोग मुझे भी शीशे से ले रहे हैं मेरा कैमरा, ओ ये है कैमरा, और थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने हमारे में ड्रामों में काम करते थे ना, हम लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट आ जाए हमारा, अपने ब्रश वगैरह तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम लोग कर लो मैं कुछ नहीं कह रही, तुम लोगों वो चाह रही है मैं अपने इम्तिहान पे पूरी उतरूं, अगर ब्रश भी नहीं उतरूं वो एक ही ब्रश छोड़ के गई है मेरे लिए, खैर तो ये हो गया ठीक है। अच्छा मेरी हाँ स्किन मेरी साफ है, मैं यूजुअली भी बहुत कम बेस लगाती हूँ, आई लाइक माय स्किन क्लीन नीट, सनब्लॉक लगा लिया तो नॉर्मली अगर हल्का सा कंसील करके पतला सा सनब्लॉक भी लग जाता है तो बहुत होता है ठीक है। अच्छा फिर जो है वो क्योंकि सनब्लॉक के बगैर मैं चलती नहीं, आपने ये आईब्रो पेंसिल उठाई, अब चूंकि आईब्रो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका, यू नो आपके एक्सप्रेशन आपकी हर चीज़ जो है वो उससे वो करती है, तो ये आपने अभी आईब्रो जो है ना ये देखिए इम्पोर्टेंट फीचर एक्चुअली बीनिश को आईब्रो के लिए ज्यादा वो होता है, मतलब मैंने नोट किया जब भी ये मेकअप से खा रही होती है आईब्रो पे तुम बहुत फोकस कर रही हो, बहुत फोकस करती हूं बिकॉज़ मुझे आई डोंट नो आई जस्ट हैव दिस थिंग फॉर आईब्रो, तो वो हर किसी का फेस डिफरेंट होता है, वो हर कोई अलग अलग सोच रहा था, जैसे मिस्का की खुद की आईब्रो इतनी डार्क है आई डोंट थिंक सो कि वो आईब्रो पेंसिल और उसका ख्याल करती होगी, एग्जैक्टली कभी अगर रह जाती तो इट्स ओके, आई तो आल्सो समटाइम्स चेंज माय आईब्रो शेप बिकॉज इट चेंजेस योर होल शेप, यही टेक्निकलिटीज है जो आप इन लोगों से सीखते हैं कि अगर आपके पास चार चीजें भी हैं उससे भी आप कैसे सच सवर सकते हैं। अच्छा अब आपने ये स्ट्रोक्स की फॉर्म में लगाना है, ये नहीं कि बस ऐसे यूं पेंसिल की तरह लाइंस नहीं लगानी है ठीक है, आपने ये दे दिया और जहां आपको लग रहा है कि आपको फिल करना है ठीक है, अब आप दोनों आईब्रोज में फर्क देख सकते हैं कि लाइक बड़ी नेचुरल, और ये जो एक आईब्रो टाइप ब्रश होता है आपने उससे ब्रशिंग कर दी हल्की सी, आज हमारे डायरेक्टर को ना सही डायरेक्शन दिखाने का मौका मिल रहा है, शीशे से हमारे क्लोजेस पकड़ रहे हैं शीशों से, आज खुश हो जाओ लो तुम। अच्छा मैंने ना जो आईलिड है उस पे बेस नहीं लगाया है बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब आप कम मेकअप कर रहे होते हैं तो वो जो एक नेचुरली एक ब्राउन सा हमारा हुआ हुआ होता है शेड ओवरऑल नेचुरली हमारा आई शेडो लगा है सब वो वाली चीज़, तो वो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी कि उसको वैसे ही रहने दो, तो मैं ऊपर कभी कभी कुछ भी नहीं लगाती। अच्छा मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मैं भी जब खुद मेकअप करती हूँ तो मैं अपनी आंखों के ऊपर बेस नहीं लगा रहे होते हैं तो फिर तो आपको लगाना पड़ता है बेस, लेकिन अगर जैसे आप आई शेडो नहीं लगा रहे और आपको सिर्फ आईब्रोज करनी है मस्कारा करना है खाली तो वो बड़ा अच्छा शेड देता है, जो ब्राउन दिस इज द काइंड ऑफ स्टेप यू कैन स्किप एंड यू कैन डू, हां सही है। अच्छा फिर उसी आईब्रो पेंसिल से हल्का सा मैं आईलाइनर तो नहीं लगा रही बिकॉज आई एम नॉट अ लाइनर फैन, बट वो एक हल्का सा शेप दे रही हूँ पतली सी लाइन लगा के ना उसको एजेस से, सिर्फ एजेस, ऐसा ना हो बीनिश एंड में हम ढूंढ रहे हो मेकअप किया भी है कि नहीं, नहीं। ये देखिए ये कितना अच्छा लुक आ रहा है, अच्छा ओके तुमने कोने में लगा कि तुमने ब्लेंड ब्लेंड किया ताकि एक फैली फैली आंख लगे, ग्लैमरस नहीं आंख देखे ना बड़ी हो गई, हाँ दोनों दिखाओ आंखें दोनों कंपेयर करें हम लिफ्ट हो गए लिफ्टेड ठीक है। अच्छा फिर यही आईब्रो पेंसिल हल्की सी आपने ये मीनिश को देख लेंगे मैं टेढ़ी हो गई, सॉर्ट ऑफ कलर वॉश लुक एक्चुअली ना ये कलर वॉश लुक कहलाता है जो ये बिल्कुल क्या कलर वॉश ठीक है ये हो गया ये देखें ओके ओके हां अच्छा सही है। अच्छा फिर आप
मस्कारा हाँ। जब भी करती हूँ आईलैश कर्लर मस्ट है मेरे लिए, बिकॉज इसके बगैर मुझे मस्कारा करने में मजा ही नहीं आता क्योंकि ये लिफ्ट दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास नहीं था ये, तो मैं पता क्या करती थी, मेरी तो पलकें हैं बड़ी, तो मैं जाकर ना पानी लेकर, क्योंकि जहाँ लग जाता था या अगर आई शेडो लगा तो पानी लेके मैं अपनी अपनी आई लैशेज को कर्ल कर लेती थी खुद इस तरह पानी से। हाँ पानी से हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पानी ले लूँ, नहीं तो वो तो भारी होता और नीचे हो जाएंगे। हल्का सा लेके ना, ताकि वो जो पाउडर और वो सब गिरा होता था आंखों पे, वो सारा साफ हो जाता था और मेरी ये टर्न भी हो जाती थी। ठीक है, ये आपकी लिफ्ट हो गई। आपने हल्का सा इसको मस्कारा दे दिया। मस्कारा था तुम्हारी चार चीजों में? हाँ वो तो तुमने रखा था ना लाजमी। तो तुम मेकअप पूरा करो ना, दोनों आईब्राउज, दोनों आईज। मैं एक साइड इसलिए कर, डिफरेंस पता चलेगा ना, वरना फिर डिफरेंस नहीं पता चलेगा। एंड देन आई थिंक टाइमिंग्स भी ज्यादा लग जाएंगे। टाइम हाँ, जब तक वो दूसरों से पूछेगी दूसरा भी टाइम है। नहीं मुझे मसला नहीं है, मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं एक साइड अलग करके दिखा रही है कि लाइक फर्क क्या है। फर्क तो हम भी वन साइड करें पहले, फिर देख लो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक दैट्स अ गुड आईडिया। हां इट डिपेंड्स ऑन क्या। अच्छा अब आप देखें आंख पे, जब तक किसी और का होगा तो दूसरा आंख भी कर, लास्ट वाला जो पूरा कर ले। एक मिनट खोलो, दोबारा आंख खोलो, देखूं मैं कि फर्क पकड़ रही हूँ। फर्क नहीं बहुत ज्यादा है, काफी फर्क है। ये देखिए आंख लिफ्ट हो गई है। वाओ विनेश, ठीक है, ओके। आप ब्लश ऑन का तुम क्या चक्कर करोगी और लिपस्टिक का? अब करूंगी, सब करूंगी। अच्छा चूंकि लिप टिंट्स आजकल बहुत इन है, तो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक, क्योंकि पूरा ही बहुत नेचुरल और एवरीडे टाइप मेकअप हो रहा है। वरना मैं मेकअप है, वरना मैं जो रेड बाजार जा सकते हैं इस वक्त, आपको जहाँ जहाँ जाने की जरूरत है बाजार जा सकते हैं आप, ऑफिस तो जा रहे हैं जैसे हम लोग आ रहे हैं ऑफिस, इस तरह ऑफिस अब बहुत सारे लोग भी जाने लगे हैं एहतियाती तदाबीर के साथ, वहाँ जा सकते हैं आप। घर में ऐसे बैठ सकते हैं, थोड़े से प्रेजेंटेबल, किचन का ट्रिप लगा सकते हैं। किचन का ट्रिप लगा सकते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, घर में ऐसे बैठना चाहिए। व्हाई नॉट यार, क्योंकि पता है बाकी कुछ और देखने को है नहीं। अपनी आपकी अपनी जो है ना सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी बेटर हो जाती है। सही कह रही हो, सही कह रही हो कि आप अपने आप को शक्ल में शीशे में देखते लोग समझते हैं घर में बैठ के हम ज्यादा फ्रेश हो रहे हैं। नहीं हो रहे, हम अपने घर में बैठ के ज्यादा ख्याल नहीं कर रहे, पकौड़े ही तल रहे हैं जाके किचन में। लेकिन मैं कहती हूँ अपनी स्किन का तो ख्याल करें, मेकअप करें ना करें, लेकिन स्किन का ख्याल। सीरियसली आजकल तो नादिया मैं तो मास्क लगा के बैठ रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मास्क लगा के बैठ जाती हूँ। होना चाहिए हाइड्रेशन तैयार और मेकअप क्या होता है, तो आप थोड़े फ्रेश और एक्टिव भी रहते हैं। अगर आप बिल्कुल छोड़ देते हैं तो बहुत लेजी लेजी हो जाते हैं। ना आपने अच्छा, ठीक है जी। तो अब इन्होंने मुझे चूंकि मैंने खुद चूज करके कलर नहीं उठाया तो रेड दे दिया। अब रेड मोस्टली मैं तो अवॉइड करती हूँ बिकॉज मेरे लिप्स एक तो बहुत बड़े और रेड में बहुत ही ज्यादा लगते हैं। हमारे थोड़े से टिंटेड भी हैं लिप्स। नहीं नहीं ये थोड़ा सा लगाया अभी लगा, इतने नहीं खूबसूरत चल रहे नेचुरली। तो अब ये है कि इसी को यूज करूंगी और इसी का लिप टिंट टाइप बना दूंगी, वरना लगाने को तो मैं रेड लिप्स भी करके देख। कैसे बनाओगी यही तो मैंने देखना है। बस आपने सिंपल जो है वो हल्का सा लिपस्टिक को लिया, अंदर की तरह से शुरू किया, बाहर की तरह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तौबा, आजकल तो छींक आना ऐसे जैसे गाली। ओह माय गॉड, डर लगता है छींक आने में। टिश्यू नहीं नहीं, मैंने छींक लिया दुपट्टे के अंदर, ऐसे पूरा सांस रोक के छींकी हूँ कि कहीं भी कोई चीट ना जाए। नहीं नहीं, वैसे भी हम डिस्टेंस में बैठे हैं। हाँ अच्छा, अब अंदर जो है मैंने थोड़ा सा डीप किया है, अंदर की तरफ थोड़ा सा डीप लगाया है, और बाहर जो है सिर्फ जितना बचा था उंगलियां उसको हल्का सा शेप आउट कर दिया। ठीक है, मतलब लिप भी आधा लगा होगी। हाँ क्योंकि जरूरत तो पूरा लगा। नहीं मतलब मैं पूरा नीचे का लगा के दिखा रही हूँ, ये अंदर की तरफ आपने मेरे को आधा मुंह लगा रही है। क्या कॉमेडी मैं एक्सप्लेन कर रही थी, आधे अंदर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा पिगमेंट लेके लगा दिया। हाँ इसी का हल्का सा, ये भी बता दो ये तुम्हारे लिप्स के लिए। ये मेरे तुम्हारे लिए लिप्स जो है वो बड़े बड़े लिप्स हैं। आप अगर छोटे तो उंगली नहीं आएगी भाई, इस तरह लगाऊंगी बाहर निकाल 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 इतने छोटे लिप्स। मेरी बहन के भी छोटे हैं, इसके लिप्स हैं बड़े, तो इसकी उंगली पूरी आ रही है, ये भी छोटी हमारे नहीं आ सकती। आई एम ऑलरेडी वेरी एंबैस अबाउट माय लिप्स। इसलिए आप छोटी नहीं कि ये ऑन टीवी वेरी वेरी प्रीटी। आई टेल यू नादिया, व्हेन आई वाज लाइक इन स्कूल ना, आई वाज मोर टैन बिकॉज़ यू नो बच्चे स्कूल जाके और कैसे हो जाते हैं, मतलब आप सोच सकती हैं, हाथ काले मुंह काला, एंड आई वाज सुपर स्किनी। अभी तो फिर थोड़ा सा ना
सो लिटरली ऑल द बॉयज इन द स्कूल और फिर मूछे आईब्रो बुशी बुशी वो आगे से मुझे कहते थे ये तो अफ्रीका से आई है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हड्डियां गाल ही नहीं अभी तो फिर गाल के साथ थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया दे यूज्ड टू कॉल मी ये तो ब्राउन गर्ल है मेरी अभी भी अक्सर आदत है आई सिट एंड आई जस्ट हाइड दिस जो ये फिंगर से बता रही है आप अपनी कोई भी फिंगर यूज कर सकते हैं आप अपने होठों के साइज के हिसाब से आपके पास पांच फिंगर्स हैं ओके ओके ये अगर नादिया मेरे जैसे हैं तो हम छोटी उंगली इस्तेमाल कर लेंगे पिंकी फिंगर लेकिन तो ये भी एक टेक्निक है जो क्या सही फिंगर ओके अच्छा अब जो मेरे थोड़ा सा बचा हुआ है हाथ में उसी को हल्का सा इधर और थोड़ा सा नोज पे ताकि फ्रेश और फिर उसको ब्लेंड में उसी फिंगर से नहीं कर रही मैं अच्छा ब्लेंड दूसरी फिंगर से कर नहीं तो ज्यादा ही हो जाएगा ना क्योंकि मुझसे हमेशा ऐसा होता है जब मैं ये वाला करती हूँ ना मेकअप तो मैं इतना ज्यादा लगा लेती हूँ तो मेरे मियाँ कहते हैं थप्पड़ खा के आई हो क्या कर लिया मैंने कहा हाय कितना फ्रेश लुक आ गया एकदम से चेंज हो गया भाई घर में ऐसे बैठ सकते हैं कोई मसला नहीं बिल्कुल बैठ सकते हैं ऐसे घर में अच्छा भाई देख लें दिखाएं भाई जरा मैं स्क्रीन पे देखूं उस तरफ चेहरा घुमाओ ना किस तरफ जहाँ से तुमने मेकअप किया है इधर भाई हां ये ऐसे नहीं नहीं इस तरफ ये ये वाला हां दोनों दिखा सकते हैं मतलब दोनों दोनों तरफ दिखाओ अब ये देखें अब उस तरफ है नहीं मेकअप नहीं है यहाँ से भी अच्छी लग रही हूँ लेकिन यहाँ से ज्यादा फ्रेश लुक आ रही है तो ये देखें आप चार चीजों की मदद से बीनिश ने आपको सिखा दिया कि ये कैसे अपने आप को फ्रेश और वो भी सारी लोकल चीजें नो ब्रशेस बिल्कुल मतलब लाइक छोटी छोटी टेक्निक से ऐसे जिससे आप अपना नो मेकअप लुक एक फ्रेश लुक देख सकते नहीं और पता है ब्रशेस फैशन में भी यही है नहीं ब्रशेस यू नो व्हाई आई प्रेफर्ड नॉट यूजिंग ब्रशेस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कांट इवन बाय बिग सेट्स ऑफ ब्रशेस ठीक है आप एक दो जरूरत वाले हैं वो ले लें अब देखो ना हर तरह अब ये वो लोग कल जो है ना वो सेट्स मिलते हैं वो खरीद सकते हैं कोई इतना मसला देखो मैं वही कह रही हूँ ना ये इससे जो सिखाया मेकअप जिनके पास ब्रशेस नहीं है अब हम तुम लोगों के पास आएंगे जिनके पास ब्रशेस हैं जिनके पास ब्रशेस अभी पिछले हफ्ते की बात है मेरी जो घर की नहीं पिछले हफ्ते नहीं ये जब ये महीना खत्म हुआ था ना मार्च का महीना तो मेरी जो घर की मासी है वो तनख्वाह लेने आई थी तो वो मुझसे पूछ रही थी कि बाजी वो आप जो मेकअप लगाने से पहले जो लगाती हैं वो क्या चीज है शाबाश अब मैं डोंट टेल मी शी वांट्स टू बाय द प्राइमर यस तो मैंने कहा तुम क्या घर पे यूट्यूब देख रही हो कहती जी बाजी और कुछ काम करने को है नहीं तो मैं घर पे यूट्यूब देख रही तो वो जो आप मेकअप लगाने से पहले लगाती हैं वो क्या चीज है मैंने कहा अब मैं क्या उसको समझाऊं मैंने कहा भाई अगर तुमने मेरी वीडियो देखी है तो फिर सुन लो समझ लो तो मैंने कहा वो प्राइमर है तो वो कहाँ से यही सवाल मैं तुमसे पूछ रही हूँ बहुत सारे लोग यही पूछेंगे अब अगर किसी के पास प्राइमर नहीं है क्या उसका सब्स्टिट्यूट है उसके लिए कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं अगर वो भी नहीं है तो कोई ऑयल ले लें अच्छा तुम लोगों को मैं रोकूंगी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे साथ ये होता था कि अगर मैं मॉइस्चराइजर लगा लेती थी कोई ऐसा तो मेरी कभी कभी स्किन पे बेस नहीं ठहरती इसका एक तरीका है मैं बता दूं या आप बता रहे हैं बताओ कोई भी बता दे मैं इसलिए जैसे ही आप एलोवेरा जेल फ्रेश वाला क्योंकि वो तो 50 रुपए का पौधा होता है वो तो मसला नहीं है 50-60 रुपए का जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाएं ये वैसे भी ये तरीका होता है आपने हमेशा अपना ऐसे लिया टिश्यू और आपने ये करा या फिर ये आधा घंटा पहले आप मॉइस्चराइजर लगाएं आपको जो फेस की जो होती ना क्लेंजिंग या जो भी आपने पहले अपने फेस को वॉश किया हल्का सा अगर आपने उसको मॉइस्चराइजर जो हम कह रहे हैं कोई क्रीम हो सकती है जो आप लेकिन आपको अपनी स्किन के लिहाज से भी लगाना है ना लाइक कोल्ड क्रीम टाइप जो है वो बहुत हैवी हो जाती है अंटिल अनलेस आपकी बहुत ड्राई स्किन है
ठीक है, लेकिन आपको मेकअप लगाना है, करना है ऑन अ हाइड्रेटेड स्किन। अच्छा मैं आपसे एक आइडिया पूछना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी की बहुत ऑयली स्किन है मगर उसकी बेस लग के बहुत अजीब गंदी ब्रेकआउट हो जाती है और खराब हो जाती है, तो अगर वो कोल्ड क्रीम लगा के मुंह धो ले और फिर उसके बाद बेस लगाए तो मुझे लगता है बहुत सारे हमारे पास ऑयल्स होते हैं, अब ये भी अलग बात है कि कौन कौन सा अफोर्ड कर सकता है, बट आई थिंक जो कोकोनट ऑयल होता है वो मोस्ट स्किन टाइप पे अच्छा रहता है और वो तो बहुत ऑयली हो जाता है स्किन टू स्किन, एक्चुअली जैसे ऑलिव ऑयल और वो बाकी सारे ऑयल्स होते हैं वो फिर भी उनकी कंसिस्टेंसी मोटी होती है, जो कोकोनट ऑयल होता है इट्स मोर लाइट वेट, तो ये भी डिपेंड करता है आप कितना लगा रहे हैं, और अगर आपके टी जोन ज्यादा ऑयली है तो वहाँ पे सिर्फ एंड में डैप करते हैं, जैसे मेरी अपनी स्किन भी बहुत ऑयली है एंड इट्स प्रोन टू एक्ने, लाइक इफ आई हैव वेरी बहुत ज्यादा ऑयल लगाए तो वो एक्ने निकल आती है, बट कोकोनट ऑयल वर्क्स ऑयली स्किन पे भी अगर आप सिर्फ उसे पैट ऑन कर लें, नारियल का तेल जरा सा एक ड्रॉप ले, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो अब नेक्स्ट कौन जा रहे हैं मेकअप के, जो भी करने आप दादी तुम जा रही हो, ठीक है नेक्स्ट मेकअप हम दिखाएंगे नादिया का, नादिया अपने प्रोडक्ट से चार प्रोडक्ट से किस तरह मेकअप करती है, अगर आपने घर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अभी आपने देखा कि बीनिश ने आपको चार चीज़ों से विदाउट ब्रशेज मेकअप करना सिखाया और पूरा किया, तुमने आधा ही करके बैठी किया, अभी बातों में लग गए, मतलब भूल ही गई आधा ही करके बैठी हुई है मेकअप। अब नेक्स्ट जो मेकअप आपको सिखा रही है वो नादिया हुसैन सिखा रही है अपनी प्रोडक्ट से, नादिया की जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं वो आप सीख सकते हैं जी, ओवर टू नादिया। अच्छा तो मैं जो हूँ वो इस्तेमाल तो करूं क्योंकि मुझे एक्चुअली अपने हाथ फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल करने में नहीं वो चीज़ मुझे लगती है ना, तो मैं अपना ये स्पंज इस्तेमाल करूंगी, ठीक है, और मैं अपने ही फाउंडेशन का जो कलर है एंजल वो मैं इस्तेमाल कर रही हूं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं करूंगी, डिपेंड करता है कि मुझे कितना ओवरऑल फेस पे लगाना है, बिकॉज ज़ाहिर है इस वक्त बहुत हैवी मैं नहीं कर रही, सो बिल्कुल हल्का हल्का सा। अच्छा इसी से तुम्हारे हल्के वल्के सब छुपा दोगी है ना? हाँ क्योंकि ये हैवी कवरेज है, हाँ तो इससे जो है वो पूरा ओवरऑल जो भी कोई दाग धब्बे मेरे हैं या कोई डिस्कलरेशन है वो छुप जाएगी। अच्छा देखो ये तुम सब लोगों की स्किन जो है ना वो बहुत साफ सुथरी स्किन है, तो अब तुम अपने ऊपर तो मेकअप सिखा रहे हो, ठीक है जाहिर है इस वक्त हम किसी और के ऊपर नहीं सिखा सकते, मगर वो लोग जिनकी छाइयाँ हैं मुँह पे, वो लोग जिनके मुँह पे तिल हैं, वो लोग जिनके मुँह पे डार्क सर्कल्स हैं, तुम उनके लिए भी साथ साथ प्लीज बताते रहो, क्योंकि इस वक्त देखो हमारे पास जो है ना चीजें कम है ना, चार चीजों में मेकअप करना है तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो इसका मतलब जिनकी छाइयाँ हैं उनकी जेलों में पांचवी चीज और ऐड इन करने का तुम लोगों को देती हूँ, तो तुम क्या ऐड करोगी? लिपस्टिक, लाइक एन ऑरेंज कलर लिपस्टिक और रेड कलर लिपस्टिक, मैं कलर कैरेक्टर बन जाएगा, कंसीलर, तुम कंसीलर ऐड इन कर लोगी, बहुत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैक का ही कंसीलर करोगी मेरे जैसे कॉम्प्लेक्शन है, तो कौन सी कलर की लिपस्टिक लेकर वो मैं कलर कलर ऑरेंज ऑरेंज ठीक है, ऑरेंज लिपस्टिक मैट नॉट ऑयली, सही है मैट लिपस्टिक, वो आपकी छाइयां छुपाने में आपकी मदद करेगी, पहले आप छाइयों में वो ऑरेंज लिपस्टिक से फिंगर से लगाएंगी और उसके बाद ये बेस उसके ऊपर अप्लाई करेंगी तो आपकी छाइयां छुप सकती हैं, आपके डार्क सर्कल्स भी ऑरेंज लिपस्टिक से ही हो जाएगा उसका हल नादिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं कंसीलर इसलिए कह रही थी क्योंकि कंसीलर में ये होता है कि जब कंसीलर इज नेवर ऑफ योर फेस कलर, ठीक है, अच्छा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई लाइटनिंग कंसीलर, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपके छाइयों को और आपकी ब्लेमिशेस को इन चीजों को छुपाए, सारे रंगों के लिए तुम कह रही हो कंसीलर, एक कंसीलर जो आपके स्किन टोन से डार्कर होता है क्योंकि वो उसकी कवरेज फुल होती है इस वजह से वो हाइड कर देता है, ठीक है ये मैं तो कहती हूँ कंसीलर एक होना ही चाहिए आजकल के दौर में, कंसीलर जरूर है, मतलब वो वाली स्किन जिनकी थोड़ी सी इस तरह की स्किन है कि डैमेज स्किन है, ये लोग तो अपनी स्किन का
जाहिर है जरूरत से ज्यादा इसलिए ख्याल रखते कि ये शो बिजनेस में है। तो अब आम औरत जो है या तो उनकी जेनेटिकली बहुत अच्छी स्किन होती है, वरना बहुत सारी खवातीन ऐसी जिन्होंने क्रीम भी नहीं मुंह पे लगाई, ना रात को सोने से पहले क्रीम लगाना, ना सुबह उठ के क्रीम लगाना। अच्छा, और फेस वॉशेस भी हर किसी के पास नहीं होते, साबुन से भी कुछ लोग मुंह धो रहे हैं आजकल। सीरियसली मैं बता रही हूँ, आजकल के जमाने में तो फेस वॉश यार, मेरे बच्चों को हम मान मान के फेस वॉश से मुंह धुलाते हैं, मेरे बच्चे भी नहीं होते। लेजीनेस की बात है, मैं बता रही हूँ ना, मैं सच नहीं है, स्किन खिंचती है इस वजह से। इससे बेहतर ये होता है, मैं तो लोगों को ये प्रेफर करती हूँ कि जिसकी स्किन को अगर सूट कर सकता है ना, तो वो बेसन से मुंह धो ले। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप फेस वॉश, मैं नहीं धोती फेस वॉश से, मैं क्लेंजर से साफ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन इतनी खिंच जाती है फेस वॉश से कि मैं अवॉइड करती हूँ, वरना उसके ऊपर अच्छा मॉइस्चराइजर। क्या कह रही हो तुम बेस के ऊपर के बाद? सेकेंड जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, और ये मतलब पफ के साथ, ठीक है। अच्छा, ये स्पंज जो है वो जो कॉम्पैक्ट वाला, हाँ, जो पफ टाइप जो चीज है, और ये मैं बेसिकली अपने मोर फोकस करूंगी अपने अंडर आई पे, जहाँ पे अगर डार्क सर्कल्स या कोई ऐसी चीज हो वहाँ पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी। तुम्हारे पास और कौन सी प्रोडक्ट है इन दोनों के अलावा? तुम्हारे पास और कौन सी चीज थी? लिपस्टिक और मस्कारा। लिपस्टिक और मस्कारा, हाँ। अब तुम मस्कारे से ही आईब्रो करोगी? हाँ, जबरदस्त। अच्छा, तो अब ये वाला, तो वो वाला मेकअप है कि आप अच्छे खासे कहीं भी जा सकते हैं? हाँ, अच्छा, अब मैंने जो है ना ये कहीं भी पाउडर करके फिर मैं ये सिर्फ ब्रश के साथ जो है ना मैंने अंडर आई पे अपना पाउडर किया था। हाँ, सोशल मीडिया के लिए अच्छा आइडिया, सोशल मीडिया पे जाए ना। इस तक अगर आपने जूम पे जाना है और अपने खानदान वालों से मुलाकातें करनी है यार, आजकल तो वीडियो कॉलिंग इतनी ज्यादा। अच्छा, आजकल एक चैलेंज भी तो चला हुआ है, वो ब्रश वाला फेंकने वाला चैलेंज। मैं तुम्हें फेंकूंगी। हाँ, अब मुझे फेंकना। बिनिश ने मुझे फेंक दिया था। हाँ, मैंने उसको फेंका था। हाँ, एक्चुअली कुछ भी नहीं था, बैठे बैठे कुछ करने को तो है ही नहीं वैसे। हाँ, भी तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे वीडियो भी एक्चुअली सॉरी एक मिनट मैं तुम्हें बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, वहाँ उसका मेकअप हुए जा रहा है। हाँ, वो रुक ही नहीं रही है। मैंने बताया था कि मैं पाउडर को अब ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ, बस सिर्फ ब्रश के साथ, मैंने फुल फेस पे नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ अंडर आई पे लगाया और यहाँ इस एरिया पे लगाया। अच्छा, पूरे ताकि तुम चाहिए तुम्हारी चमक नजर आए फेस पे। हाँ, पूरे ना। हाँ, फिर मैं ये सिर्फ पाउडर इस ब्रश के साथ। हाँ, मैंने वही वाला जो पाउडर था वो उसको मैंने पूरा फैला दिया, ठीक है। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हैं? वो मैं आईब्रो जो ब्रश है उसके साथ में सिर्फ ब्रश को। अच्छा, मगर आपके पास आईब्रो फर्ज करो, इनके पास आईब्रो ब्रश नहीं है क्या? वो जो टूथब्रश है, टूथब्रश ले। हाँ, टूथब्रश है ना, देखो। हाँ, मैं भी जुगाड़ू हूँ दिमाग से। हाँ, अच्छा, अब ये मैं मस्कारा लेके ना यूज करते हैं, मस्कारे के साथ मैं आईब्राउज करूंगी। बहुत सारे लोग हिसाब भी उसी से लगाते हैं, टूथब्रश से। यस, मैंने अपने अब्बा को तो उसी से लगाते हुए देखा। आईब्रो को, ये मस्कारा को जरूरी है, अगर आप आईब्रो पे लगा रहे ना तो ये फिर थिक इसकी बिल्कुल साफ कर लेना, आईब्रो के जो ब्रश है उसको बिल्कुल साफ कर ले। अच्छा, एक्सेस मस्कारा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा भाई, ओके। अच्छा, मतलब कोई मस्कारा नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा हल्का सा टच होगा उससे ब्लैक का, और उससे ओ आईब्रो भी हो गई। ये देखे ना, ये टिप कौन देगा आपको? ये तो मुझे पता भी नहीं थी, ये देखे। क्योंकि हमारा जो ब्रश होता है वो एग्जैक्टली ऐसा ही ऐसे ही होता है, और हल्का सा उसमें कलर होगा, वो उसमें कलर आ गया आईब्रो पे आपके। अब ये देखिए ना, आप दोनों आईब्रो में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको क्लीन कर दिया था ना, वाइप कर दिया था, तो अब जो है वो मैं जो मस्कारा है वो थोड़ा सा उसको प्रेस कर सकती हूं, थोड़ा सा प्रेशर दे सकती हूं। और प्रेशर देने की वजह से वो ब्लैक कलर थोड़ा सा हल्का सा निकल रहा है, और वो एक तुम्हें टिंट दे रहा है ना। ये आई मेकअप तो मेरा इसी से ही होगा पूरा, इससे मस्कारे से। हाँ, वही वही तो देखना है एक्चुअली, तो मजा उसी चीज का है कि वो आई मेकअप कैसे होगा। हाँ, अब मेरा तो प्रॉब्लम ये कि मुझे नजर नहीं आता यार दूर से। करीब तुम शीशा लेके खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, अब मैं मस्कारा, तुम खड़े होके करना चाहो तो कर लो, नहीं बहुत झुकना पड़ेगा। हाँ, मस्कारा को अब मैं अच्छी तरीके से भरूंगी। हाँ, उसके ब्रश को, ठीक है।
और अब जो है वो मैं अपनी मस्कारा ऐसे लगाऊंगी कि वो बाहर की तरफ लगे। अच्छा, पूरा भर के। हाँ, ये आपको नजर आ रही है मेरी जो ये वाटर लाइन है, अपर वाटर लाइन, इसके ऊपर मस्कारा नजर आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। ये एक्सेस जो ऊपर लगा आगे आगे नजर। हाँ, ठीक है, मतलब ऊपर अच्छे से फैला दिया। हाँ, इसने अपनी आई लैशेस की को लगाते हुए मस्कारा सारा ऊपर इस तरह फैला रही है, जान जान के। हाँ, वो जान मुझे समझ आ गया, जान बूझ के इसने फैला रही है। छोटा सा ये ब्रश है। हाँ, इस ब्रश के साथ में इसको थोड़ा फैला दूंगी। ओ नादिया का बसी जाए, शीशे में घुस जाए। अच्छा, इसके साथ जब हमारे बेचारे कोशिश करें कहीं से मिल ही जाए। नहीं नहीं, अच्छा मिल गया अभी। हाँ, तो हाँ, अब मैं इसी कई जो कलर है इसको अपने यहाँ पे थोड़ा सा सॉकेट लाइन पे फैला दूँ। ये कौन सा कलर है वो जो तुमने जो बेईमानी से फैलाया है मस्कारे का कलर? मस्कारा जो था। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह नादिया, जबरदस्त। ये देखा, पाकिस्तान में हर तरह के लोग, हम जुगाड़ू लोग हैं, अगर हम कहीं से भी कुआं खोद लेते। वाह, अच्छा, अब मैं फिर से मस्कारा लगाऊंगी क्योंकि बहुत जरूरी है उसको। हाँ, अच्छा है ना, लोगों का दो साल इस्तेमाल नहीं होता, मस्कारा ड्राई हो जाता है, आप उस मस्कारे को खत्म कर दें। मस्कारा पड़ा भी रहे ना तो ड्राई हो जाता है। वही तो कह रही हूँ ना, जरूरी है इस तरह इस्तेमाल तो होगा कम अज कम। हाँ, अच्छा, अब मैं उसको जानबूझ के अपनी अपर आईलिड पे उसको लगा रही हूँ ताकि वो ब्लैक ब्लैक जो चीज है। हाँ, उसी से आ जाए एक आई शेड का लुक दे। हाँ, मुझे डिफरेंस लग नहीं, आंख जो है ना वो खुली खुली लग रही है फिर। हाँ, अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा लोअर आईलिड पे लगाती हूँ मस्कारा, तो नीचे भी मैं फैला के लगा रही हूँ। हाँ, अच्छा, एक पूरी जान आ गई आंख के अंदर ना। लेकिन अब जो ये लाइन बन गई है ना, इसको भी फैलाना जरूरी है। ओके, हम तो कई जो जनरली मस्कारा होता है ना, वो हम लोग अगर लग जाता है इधर उधर। हाँ, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, आए हाय यार मस्कारा लग गया। हाँ, इसमें तो आपको मस्कारे लगाना है जान के, परेशान हाँ, नहीं होना, घबराना नहीं, डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन एक्सेस लगाना जरूरी है। हाँ, बस कल भाई पल के हाथ में ना आ जाए। नहीं, मैं बहुत भर भर के लगाती हूँ मस्कारा। मैंने हमेशा देखा। हाँ, हाँ, पूरा लुक्स वेरी नाइस ऑन यू। अच्छा, मैं अगर लोअर लिड पे लगा दूँ मेरी आंखें अजीब सी हो जाती। मेरी भी नहीं, मुझे भी नहीं सूट करता। ड्रूपी आईज है ना हमारी, इस वजह से। हां, जिनकी ड्रूपी होती नहीं लगाती। देखिए, ये भी एक टिप है, जिनकी ड्रूपी आईज है उनको लोअर लैश पे मस्कारा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, अब ये एक मेरा वो ब्लश ऑन का ब्रश है जो मैं कर भी सकती हूँ उसको इस्तेमाल, नहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन ये पिंकिश लिपस्टिक है तो ये मैं जो हूँ वो दो टिपके लगाऊंगी। कितने क्यूट बोल रहे हैं, दो तरीके। अरे वाह, वेरी क्यूट दादिया, जबरदस्त यार, ये तो वही इफेक्ट आ गया। अच्छा, मुझे इतनी खुशी हो रही है चार चीजों से मेकअप करके, ये तो एक चैलेंज बन गया है। हाँ, वाओ, नाक पे भी मारी हो ना तुम आहिस्ता आहिस्ता। वही जो कलर था ना लिपस्टिक वाला, वही जो ब्रश में लगा हुआ है। सही की शक्ल बनाती हो नादिया, और जब ये बनाती हो अपने भाई जैसी लगती हो। बताइए, ये ऐसे करना, मैं ये कर रही हूँ ताकि ये जो आपकी जो टाइट हो ना, वो चीक्स ना, चीक्स जो है ना आपकी लिफ्ट हो जाती ना, तो फिर इस पे ये जो एप्पल्स ऑफ द चीक्स है ना, इस पे लगाना जरूरी है, आसानी है। हाँ, तो आप स्माइल करके लगाएं, ठीक है, फिर नाक पे लगा लिया। ओ ग्रेट, जबरदस्त। ये जो बाकी आधा मेकअप तो जी देख लें आप, हो गया, आप दोनों आपके सामने है, दोनों आधे चेहरे पे हमने। अच्छा, ये करके देखा है। जो फाउंडेशन है ना उसको मैं सिर्फ अपने लिप्स पे से साफ कर रही हूँ मैं। अच्छा, टिश्यू पेपर से। ठीक है, ये वो सारी टिप्स हैं जो आप अपने लिए अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्कारे से आई मेकअप हो गया, पूरा का पूरा आई मेकअप मस्कारे से हो गया, जो लिपस्टिक है उससे ब्लशिंग लग गया,
तो वही चार चीजें हैं जिनसे आपने पूरा मेकअप कर लिया, आई ब्रोज बन गई मस्कारे से। यस क्योंकि ये ब्रश वाला है ना तो इसने थोड़ा सा शेप दे सकती हूँ मैं इसे, वरना आई लाइक टू एक्चुअली यूज अ लिप लाइनर। ये जो ये वाली लिपस्टिक है उनसे आसानी होती है कि आप अपने लिप को शेप दे सकते हैं, वरना नॉर्मली लिपस्टिक्स जो होती है फिर आप उसे फिंगर से भी ब्लेंड करते हैं, जैसे तुमने दिखाया कि किस तरह आप फिंगर से, एक तरीक़ेकार हमें बीनेश ने दिखाया, एक तरीक़ेकार हमें नादिया ने बताया, यानी कि हर किसी के पास अलग अलग टेक्निक्स हैं ना। हाँ, और आप मिलजुल के उसको जो आप उसको अपनाना चाहें जो आप अपनाना चाहें रिपीट पे शो देख सकते हैं यूट्यूब पर आराम से और उसको बार बार फॉलो कर सकते हैं। तो आज के तो बहुत इंपॉर्टेंट शो है, मिस नहीं करना। अभी दो और हैं हमारे पास टेक्निक्स बताने के लिए। हो गया मेकअप जी, दिखाओ जरा अपना चेहरा। हाँ, कैमरे में वेरी गुड भाई, क्या बात है। तो ये टेक्निक मैं अब दोबारा से रिकैप देती हूँ टेक्निक का। बीनेश ने टेक्निक दी, वो अपनी बीनेश तुम खुद बताओ ना, तुमने क्या टेक्निक इस्तेमाल की थी जो लोगों के लिए लेटेस्ट है? तुमने स्मच किया था हल्का सा, वो कौन सी चीज थी जिसको स्मच किया था? पेंसिल। इसने आई पेंसिल का इस्तेमाल किया और उस आई पेंसिल से पूरा आई मेकअप कर लिया, जो भी जितने भी इसने करना था। और एक लिपस्टिक से इसने, नॉर्मल लिपस्टिक से इसने फिंगर से ब्लेंड करके ब्लशन और लिपस्टिक दी। और नादिया ने जो है वो एक मस्कारे से पूरा आई मेकअप कर दिया। और एक टिंट, कौन सी लिपस्टिक होती है? मैट लिपस्टिक। मैट लिपस्टिक जो होती है जो लिप ब्रश के साथ होती है, उससे उसने लिपस्टिक और ब्लशन दोनों चीज़ें दी। तो यहाँ आपको दो अलग अलग टेक्निक्स मिल गई। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे वापस हम, और किसके, तुम्हारे, नाजिया का, नाजिया का हम मेकअप दिखाएंगे। नाजिया का मेकअप ये करेगी ग्लैमर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आपने दो लोगों के मेकअप देखे, बीनेश का मेकअप, नादिया हुसैन का मेकअप, जो इन्होंने सिर्फ चार चीज़ों से किया अपनी अपनी टेक्निक्स के साथ, जो आपको भी बताई। अब हम नाजिया के मेकअप की तरफ जा रहे हैं और नाजिया हमें वही चार चीज़ें जो उन्होंने दिखाई थी, एक दफ़ा रिपीट कर दो वो चार चीज़ें। चार चीज़ें बता देती हूँ कि मैं एक लिपस्टिक यूज़ करूँगी विच इज़ डार्कर कलर, क्योंकि मैं पिगमेंट्स इसके लाइट और डार्क कर सकती हूँ। फेस पाउडर यूज़ करूँगी मैं कॉन्ट्रोलिंग फेस के लिए यूज़ करूँगी जो बहुत डार्क है, और इसको भी मैं लाइट और डार्क इसके पिगमेंट्स कर सकती हूँ। और साथ ही मैंने जो है क्राइलॉन का आईलाइनर यूज़ किया है। अच्छा, जो बेस हैं या कोई भी प्रोडक्ट के टू इन वन वाले जो बेस होते हैं ना, जो लाइक आपका पाउडर और फाउंडेशन साथ होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब लाइक गीला करें आप, और जैसे कि मैट की बेस है इसको आप जब गीला करके लगाएं तो ये वाटर बेस का काम करती है। बिल्कुल। और अगर आप इसे पाउडर मतलब लाइक ड्राई लगाएं तो ये पाउडर का काम करती है। बिल्कुल। और मैं तरीका इसका बताऊंगी, अभी मैं करके आ रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया है। तोड़ा है? हाँ, तुमने अपना मेकअप तोड़ दिया हमारी खातिर। मेकअप तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, और मैंने इसको जो है थोड़ा सा निकाल लिया अपने इस प्लेट पे, ऐसी प्लेट आप घर पे कोई भी प्लेट आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला। अच्छा, तुम नॉर्मली भी तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करती हो? हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने सबसे पहले ना मैं अपने फेस के जो है ना हल्की सी मैं इस पे पिंकिश टोन ऑलरेडी दे दूँ। ये किस चीज से दे रही हूँ? ये मैं लिपस्टिक जो है ना उससे दे रही हूँ, और मैंने बर्गंडी सा, बहुत डार्क बर्गंडी सा कलर जो है ये यूज किया लिपस्टिक का। हाँ, इसका ये कि इसके मैं वही मैंने कहा ना पिगमेंट लाइट और डार्क कर सकती हूँ। अब देखिए ये डार्क लिपस्टिक, तुम लिपस्टिक एक दफा फोकस कराओ, दोबारा दिखाओ ना, ये डार्क कलर की लिपस्टिक है। इसका आप लाइटर शेड दे रहे हैं तो वो चीक्स पे लग गया, यही डार्क शेड आप लिप्स पे दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है, दोनों चीजें आप इसमें कर सकते हैं। मतलब इसके पिगमेंट्स आप जो अपनी मर्जी से आप जो है ये सीख ली हमने तुमसे भाई अभी। अच्छा, अगर यही वाली चीज जैसे आंखों के नीचे भी आपको थोड़ा सा कवरेज देनी है तो मैं इसी से ही हल्की सी दे दूंगी, डार्क सर्कल्स के लिए। हाँ, ग्रेट। मेरे पास अभी कंसीलर नहीं है तो मैं इसी से हल्की हल्की सी दे दूंगी। ठीक है, ओके, यहाँ से ये आ जाएगा। लेकिन ये जो शेड है ना ये पर्पलिश का शेड है, डार्क पर्पलिश शेड है, ये ब्राउन नहीं है। नो, दिस इज नॉट ब्राउन, दिस इज बर्गंडी, दिस इज डार्क बर्गंडी। नाम क्या है ये जरूरी है कि मेरी आई सेट बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, फिर मैं इसको जो है फेस पाउडर लगाने लगूंगी। मीडिया सैटिन लिपस्टिक,
812 इसका नाम है। मैंने छोटा सा लिखा था वो भी पढ़ लिया। शुक्र सब बताती है अपनी ऑडियंस। ये मेरी सिंसेरिटी है जी। अच्छा, फिर मैंने इसको बेस देके, मैंने क्योंकि मुझे जरा हाई कवरेज बेस चाहिए तो मैंने इसको ज्यादा ज्यादा लेकर जो है वो लगाया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये वाला एरिया अपना हाई लाइटिंग वाला पहले मैं कवर कर लूंगी। ठीक है, किससे करी हूँ तो मैं उसी बेस में एक ही बेस से करूंगी। अच्छा, वो तुमने इसे पानी मिलाया अभी? नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ पाउडर। अभी पाउडर है, अभी सिर्फ पाउडर कर रही हूँ मैं। अच्छा, और टी जोन है जो ऑयली होता है ज्यादा। हाँ, बट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हाईलाइटिंग एक्चुअली। दिस इज मैं इसको जो वो बेचारी एक बेस से भी हाईलाइट दे रही है, जस्ट इमेजिन। हाँ, क्योंकि ये जो है, ये अगर आप सीख रहे हैं इंस्टा में और या आप सोशल मीडिया में सब कुछ सीख रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या ऐसा कर रही हूँ। और ये मैंने अपने वो एरियाज जहाँ मुझे ज़रूरत है मैंने वहाँ ओके पूरा टी बनता है ना एक जो हाईलाइट करते हैं। तो ये मेरी वो एरिया जहाँ पे मुझे लाइटर टोन चाहिए मैंने वो दे दिया। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू, बिकॉज़ आई लव कंटूरिंग, तो मैं थोड़ी सी कंटूरिंग पहले कर लूंगी। अच्छा, क्योंकि कंटूर, हाँ। अच्छा, कंटूरिंग के लिए बहुत डार्क मेरे पास ये शेड है तो मैं इसको जो है इसके पिगमेंट्स को लाइट करूंगी। पहले लाइट टोन पे इसके कंटूर भी तुम क्या इसे Yes, this is because of hygiene. Achha. Never use product directly. Achha. It's very hygienic point of view से अच्छा नहीं होता। तुमने क्या किया? Tissue paper में? No, this is cotton pad. अच्छा, cotton. हमेशा cotton pad पर even eye shades आप लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, hygienic point of view से आप direct product नहीं use कर सकते। अच्छा, तो ये आप international laws हैं वो यही हैं। अच्छा अच्छा, फिर आपने इसका ये, और इससे ज्यादा भी नहीं लगेगा जितना। हाँ, लेकिन जो चाहूँ ज़ाया नहीं हो जाएगा बहुत टिश्यू पेपर पे उस पे लगा नहीं, के ज़ाया होने की बात नहीं है। आप एक ही प्रोडक्ट एक क्लाइंट पे लगा रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरे क्लाइंट पे। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मेकअप है अपना है, तो अपना आप यूज कर सकते। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा पिगमेंट्स भी इसके लाइट करना चाह रही हूँ ना, इसकी वजह से इसमें पिगमेंट जरा से लाइट हो जाए। डायरेक्ट यूज करूंगी तो बहुत डार्क हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसमें कॉन्टोरिंग जो है वो मैं यूज करूंगी थोड़ी सी। मैंने इस पर डार्क अभी कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसी कोई मैं सही है शीशे में देखो ना, तुम कहाँ देख कर रही हो? मैं ऐसे मैं यूं करके देख रही थी ये। हाँ, अब सही है? अभी सही है? आ रहा है नजर? हाँ, आ रहा है। पहले भी आ रहा था, मुझे तो आ रहा था नजर। मुझे मैं हमेशा टीवी पे देख रही थी। हाँ, टीवी पे नहीं देखो, इस पे देखो। मैं वहाँ देख देख के काम कर रही थी। अच्छा, फिर मैंने इधर जो है कॉन्टोरिंग अपनी यहाँ पर भी कर ली, ये अपने चीक्स पर। अच्छा, अब ये देखें कॉटन पे लगाने से ये हुआ कि उसको जितना प्रोडक्ट चाहिए वो उतना ही इस्तेमाल हो रहा है, वो ब्रश एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। वो जो हम झाड़े होते हैं ना, हाँ, जो यू कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं। एक टिप है ये, दूसरी टिप पिक कर ली हमने तुमसे भाई। हाँ। अच्छा जी, फिर हमने लिया, अब हम नोज कॉन्टोरिंग भी करेंगे साथ साथ। और नोज कॉन्टोरिंग के लिए मैंने जो ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, मैं और यही वाला पिगमेंट अब मैं इसके साथ जो है अपना पाउडर भी थोड़ा सा लगा रही हूँ क्योंकि नोज पे एकदम डार्क नहीं हो जाए। ठीक है, और नोज कॉन्टोरिंग तुम अपना कॉम्पैक्ट और ये मिलाकर तुम वो मिला कर मैं कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास एक शेड है और वो तुमने नाक पे भी लगाना है हर जगह। बिल्कुल, और ये मैंने फिर अभी इस पर भी लगा दिया। ओके, नाक पतली हुई? हाँ, हो गई। मुझे किसी ने मजाक उड़ाया था, यहाँ तुम्हारी बहुत मोटी नाक लगती है तो इसको पतला किया करो स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे नहीं इतना पता चलता, तो वो इस तरह से था ना। ठीक है, ये मैंने नाक की कॉन्टोरिंग एक ब्रश लेके उसे मैंने कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, बाकी का जो बेस मेरा रह गया है, हाँ, मैं उसको भी यूज करूंगी। अब तुम वो कैसे यूज करोगी? अच्छा, थोड़ा सा मैं अभी इसके ऊपर अभी पाउडर ही डाल रही हो तुम? पाउडर है ही, मैंने पाउडर ही यूज कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम इसको वाटर बेस्ड ही बनाने वाली? मैं बनाऊंगी बनाऊंगी, मैं बताती हूँ वो एंड में ना, बिल्कुल जब से मुझे पक्का करना होगा ना। हाँ, अभी कच्चा कच्चा कर रही हूँ। वाह वाह वाह, इसको जो है पूरा मैंने अब इसका, अच्छा, कॉन्टोर करने के बाद फिर तुम पाउडर कर रही हो? हाँ, ताकि वो बैलेंस हो जाए, सॉफ्टन हो जाए। हाँ, अच्छा, सॉफ्टन हो जाए और वो बिल्कुल वो ब्लेंड हो जाए पूरा फेस। एग्जैक्टली, अब मुझे जो है ना जो हल्का फुल्का चाहिए वो मैं अब इसके दोबारा फिर और दो। हाँ। कितना इस लड़की को शौक है कॉन्टोर का है। हाई, आई लव कॉन्टोरिंग, सच्ची बताऊँ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब हमने ये कर लिया, अब हम करेंगे आंखों की तरफ। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंखों की तरफ जो हम करेंगे, मैं क्योंकि मेरे पास कोई कंसीलर कोई चीज नहीं है तो मैं इसी कोई अपना आई शेड भी बना दूंगी। ये जो तुम्हारा कॉम्पैक्ट था? कॉम्पैक्ट था, ठीक है, इसी को एक हफ्ते में खत्म कर देगी ये तो मैक का कॉम्पैक्ट। अगर चार चीजों से मेकअप करती रही तो नहीं यार, नहीं होता खत्म। मैं पता नहीं कब से ये चल रहा है मेरा, लोग समझते खत्म होता नहीं होता। अच्छा, इसका पिगमेंट इतना स्ट्रांग होता है
कि वैसे जब आप इसे लगाएं ना तो वो फील ही नहीं होता इतना ज़्यादा कि आपका जो है ना मतलब ज़्यादा लगा है वो। अच्छा अच्छा, अब मैं लगाऊंगी लाइनर और लाइनर को स्मच करके मैं इसको, अच्छा ये लाइनर की टर्न आ गई, ठीक है। लाइनर ने आपको दिखाया था क्राइलिन का, ये लाइनर है पाकिस्तान में अवेलेबल है आराम से, बिल्कुल। ये इसको भी तोड़ रही है, लाइव ये सही चार खातूने मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हाइजीन क्या होती है जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, तो ये हाइजीन एक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं तो केचप की बोतल में से केचप अलग नहीं निकालती कि जाया ना हो जाए। तुम नहीं, 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 जाया नहीं होता, ये कभी भी आपका लगेगा उतना ही, फिर आप वापस जान सकते हैं। नहीं वापस तो फिर, लेकिन आई फील कि जाहिर है जब मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अपने ब्रशेस को बहुत, अब जो है आगे गोइंग फॉरवर्ड ब्रशेस की बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत है, सैनिटेशन की जरूरत है, स्पंजेस की यू नो सफाई की जरूरत है, हर चीज की सफाई। और इसीलिए मैं यहाँ पर भी ये चीज बता रही हूँ, यहाँ पर भी ये चीज इसलिए बता रही हूँ ताकि लोग बाद में भी अपने जब मेकअप करें तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं सेम प्रोडक्ट जो है वो एक ही ब्रश का और बार बार इसको यूज़ करूँ। ब्रशेस भी वॉश होते हैं और ये जो चीज़ें मैं आपको इंटरनेशनल लेवल की बता रही हूँ। इसको तो है, है ना, हाँ। तभी तो हर चीज निकालने का बाहर मैं ना लोगों को नहीं पता, वो ज्यादा निकाल लेंगे, खुद आप ही अपनी प्रोडक्ट है तो वो आप नहीं निकालिएगा। ये सैलून की इसके लिए मैं हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सैलून्स के लिए भी बता रही हूँ ना, एक मौका मिला तो क्यों ना बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कि क्योंकि जो मैंने भी यूज कर रही होती है सारी, तो वो भी ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। शेयर तो ना करें, शेयर अगर कर रहे हैं तो फिर ये प्रोसीजर है शेयर करने का, ये देख लें आप। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसी को ही अगेन यूज करूंगी अपना ब्राउन कलर, वो जो ब्राउन कलर तुमने जिससे कॉन्टोर की थी, अब तुम उससे ब्लेंड कर रही हो। ओ ग्रेट, यार तुम सबने मजे मजे की अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल की है। और मैं इसको अच्छी तरह से इसी के साथ ही ब्लेंड करूंगी विद द ब्राउन कलर, सो आपका ग्लैमरस लुक जो है। अब हमें पता चल जाएगा ये अंडे कैसे बनाती है किचन में जाके, है ना, अब पता चला हमें। मुझे लगता है नाजिया तुम इस टाइम को जाया नहीं करी होगी, जब तुम अंडे बना रही होगी तुम वो उसकी भी वीडियो बना लेती होगी। हाँ मैं कर रही हूं आजकल, आजकल मैंने टिकटॉक शुरू किया है बाहर तो सब मेकअप आर्टिस्ट जो है ना मर्ज कर रहे हैं, पता है, एक्टर्स भी बहुत, रिश्तेदार भी बहुत, दोस्त भी सब एक दूसरे के साथ मर्ज करके वीडियोस, बड़ा मजेदार बन रहा है। अच्छा, अब ये कि अब मैंने जो है ये इसी को ही ब्लेंड कर दिया, सो नाउ माय आई शेड। भाई आपके पास कुछ और नहीं है तो कान साफ करने वाला क्यू टिप है ना, वो इस्तेमाल कर ले। हां एग्जैक्टली, आप उसे कर सकते हैं आप। नाउ आईब्राउज को मैं जो करूंगी, हां वो मैं थोड़ा सा तो लूंगी ये वाला कलर। अब ये वाला जो कर रही है वो तो कैमरामैन उस पे तो जाए, ये वाला वो वाला क्या है, हाँ ब्राउन वाला, ठीक है ब्राउन वाला, हाँ। अच्छा, और साथ में मैं ले लूंगी द डार्कर ये। अच्छा, तो इसको मिक्स कर रही हूं। यस, अब मैं पहले इसको लगाऊंगी हल्का सा, ठीक है। I like little lifted, तो मैं इसी को ही लिफ्ट करूंगी यहाँ पर। जो वाटर लाइनर है, जो केक लाइनर, उसी से ही कर रही हूं, उसी से केक लाइनर और थोड़ा सा शेड भी मिक्स किया है। नहीं, शेड अभी भी नहीं मिक्स किया। अच्छा, अभी शेड मिक्स नहीं, क्योंकि अब मुझे इसको करना है पक्का, क्योंकि ये वाटर लाइनर जो है ये जल्दी उतर जाता, क्योंकि ग्लैमरस लुक जो है वो बगैर आईब्रो के आ ही नहीं सकता। आई नहीं सकता मैं दोनों, इसलिए वन साइड बीनेश की तरह कि ताकि दोनों का तरफ का आपको जो है पता चले डिफरेंस जो है। अब इसने पाउडर किया था। अच्छा, अभी इसने पाउडर इस्तेमाल किया। अब वो लिफ्ट करके देखें आईब्रो, एक आंख खुली खुली लगने लगती है। ओके, आप देखें ना कैसे आप एक लुक आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं डिस्पोजेबल ब्रशेस मेरे पास ये यूजली होते हैं जो मस्कारा के लिए यूज करते हैं, इसको भी मैंने थोड़ा सा इसके लिए इसके साथ लगाया, ठीक है।
और अब मैं टिश्यू. अच्छा, अब तुम लाइनर को ही मस्कारा के साथ, ओ, ब्रश के साथ. कैसे भी ब्रशेज होते हैं ना जो आपके खाली आईब्रो के लिए होते हैं, आईब्रो. हाँ, आईब्रो के लिए भी हैं, फिर आपके पुराने मस्कारा ब्रशेज भी होते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, तुम वो वही जो लाइनर है जो मैं, हाँ, लाइनर के साथ ही मैं इसको जो है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं होगी मुझे, बहुत ज़्यादा ये पसंद भी नहीं है, क्या कहते हैं इसको, मस्कारा. अच्छा. बहुत थोड़ा मस्कारा लगाती हूँ मैं वैसे भी यूजली. अच्छा, स्पेशली जब आप डार्क आई शेडो के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा लैश मस्कारा मतलब हाईलाइट करने की लैशेस की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो पीछे डार्क पिगमेंट होता है, तो इतनी लैश दिखती भी नहीं है. अच्छा, तो ये तुमने हाईलाइटर का काम जो है तुमने पाउडर से किया है. पाउडर के जो तो इसने हाल कर दिया, सब कुछ इसी से कर लिया. इसकी आई शेडो मैंने इसी की बना दी. वेरी गुड, नाउडेज आई रियली लव दिस लुक. थैंक यू. और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, एंड आई लव डार्क लिपस्टिक. पूरा दिन चल जाती है डार्क लिपस्टिक लगा के. आप सोचिए जब आप डिनर टूट के लगती है, लेकिन ये मेरा कलर है इसलिए मैं तोड़ नहीं रही इसको. हाँ, और क्या. वो तो जाहिर है तुम लोगों ने तो बॉक्सेस बनाए हुए होते ना उसके लिपस्टिक के. तो लेकिन अगर आपके ब्रशेस, आप हर क्लाइंट के बाद आप ब्रश अगर साफ करते हैं, तो उसके बाद फिर आप जाहिर है साफ ब्रश इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपका मेकअप इन्फेक्ट नहीं होगा. मैं फिर भी बता रही हूँ, इंटरनेशनल लेवल जो है, मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो इंटरनेशनली जो की जाती है. अगर आप बाहर अगर आप डायरेक्ट यूँ लगाएंगे ना, तो वो आपको आउट कर देते हैं. नहीं, या फिर आप क्यूटिप से लगा सकते हैं. नहीं, आप तोड़ेंगे तोड़कर किसी भी. नहीं भाई, क्यूटिप तो आपका साफ है ना, तोड़ कर. एनी वेज, आपके पास ये प्लेट होना ज़रूरी है जिसपे आप हर चीज़ तोड़ के लगाएंगे. ये इंटरनेशनल आपको मैं लॉ बता रही हूँ. पर क्यूटिप से भी तो लगा सकते हैं. क्यूटिप से लगा सकते हैं, लेकिन प्लेट के ऊपर से डायरेक्ट नहीं. डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते. अच्छा, ये लग गई लिपस्टिक फुल भाई. तो आजकल तुम्हारी मियाँ को ये लुक पसंद आ रही है तुम्हारी. उसको यही, उसको शुरू से ये पसंद है. मैंने बीच में छोड़ दिया था करना ये. आजकल तो ही लाइक सरताज, ये लीजिए पानी, सरताज ये लीजिए चाय. हाँ, मैं उसको खाना वाना भी पका कर ऐसे ही खिला रही होती हूँ इसी हालत में. आज तो मैं भी यही करूँगी, यही मेकअप जो मॉर्निंग शो का मेकअप है ना, सरताज ये लीजिए अपनी पर्सनैलिटी. अभी जैसे यासिर को मेकअप पसंद है या नहीं, पहले तो ये नहीं बस, तो फिर तुम नहीं कर सकती. फिर तुम कुछ नहीं कर सकती. फिर तुम मुंह धो के ही जाओ. ठीक है, मेरे मियाँ को एक मुझे तो पता ही नहीं है उसको पसंद क्या है. मेरे भी मियाँ को वैसे ना मेकअप उसको नहीं, मतलब कि वो कहता है कि जी तुम क्या, यू नो, लाइक ये तुम कहाँ जा रही हो. उसकी उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है कि लाइक तुम भी मेकअप पे रहती हो हर भी हर वक्त, मैं भी रहती हूँ. हमारे हस्बैंड कहते हैं बस कर दो. नहीं, मैं भी रहती हूँ, लेकिन उसको फिर भी पसंद है ना. देखो ना, अब हम जो है इसको हल्का सा, बहुत कम मर्दों को वैसे मेकअप पसंद होता है. हम अपने लिए करते हैं. आप आज ये बात साबित हो गई. नहीं पसंद है कि नहीं, मेकअप डिपेंड करता है. मेरे पास जितनी क्लाइंट्स आती हैं ना, उनका फीडबैक पता क्या होता है? हाँ, आवर हस्बैंड लव्ड योर मेकअप. तो मुझे नहीं पता क्यों. नहीं, वो तो इवेंट के लिए तो चलो सही चलो है, लेकिन बट डेली बेसिस के ऊपर. होए होए, क्या बात है. नाइस, आई लव इट. जी, चार चीजों से मेकअप, ये चैलेंज इन तीनों ने तो एक्सेप्ट कर लिया और प्रूव करके दिखा दिया. मिस्का, तुम्हारी बारी. लाओ तुम ब्रश, इसको फेंको ना. देखते हैं चार चीजों के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए देखते हैं. गुड मॉर्निंग, बिजनेस शुरू हो गया. भूल ही जाती है ड्रॉइंग रूम में बैठे. क्वारंटाइन में ना हम ज्यादा ही कैजुअल हुए हैं, क्या करें. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सीरियसली मुझे बड़ा सुकून मिलता है शो करने में. वो एक बातों का ना, जो एक वो अर्ज होती है वो खत्म हो जाती है वाकई में. क्योंकि आप अपने मियां और बच्चों के अलावा किसी से बात नहीं कर रहे आज. और ना हम एक दूसरे को छेड़े हैं, ना हमने हाथ में लाया दूर दूर से, ना गले मिले, ना एक दूसरे की चीजें छेड़े, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. दूर दूर जो थोड़ा सा टाइम रह गया वो हम मिस्का के हवाले कर रहे हैं. ठीक है, ओवर टू यू. ओके, तो आज मैं चार चीज़ों के साथ मेकअप करूंगी,
और दिस इज गोना बी माय फेवरेट प्रोडक्ट. ये मेरी कॉन्टोर स्टिक है इंग्लॉट की. हाँ. ये यहाँ पर भी मिलती है. हाँ. इससे मैं अपना मेजॉरिटी मेकअप करूंगी. सबसे पहले मैं कॉन्टोरिंग से शुरू करूंगी और उसके बाद ही मैं अपना आई मेकअप शुरू करूंगी. ओके. तो ये मैं फोरहेड पे करूंगी, अपने चीक बोन, जॉ लाइन पे. अब डिपेंड करता है कि सबके लिए अलग अलग उनका कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से होता होगा. ब्राउन कॉन्टोर की बात कर रही हो ना तुम? यस. और उनको क्या पसंद है? तो मुझे मेकअप में कॉन्टोरिंग करना बहुत पसंद है और मेरे फेस के लिए भी अच्छा लगता है, तो मैं वही करती हूँ. अच्छा, तुमने आंखों पे भी दिया है ना ये? यस, ये एक आई शेडो और क्रीज की तरह भी बन गया. ये देखिए, और जल्दी भी हो जाएगा. यस, ये बहुत जल्दी होता है. मैं हर रोज भी शो के अलावा भी ये यूज करती हूँ. और लिप्स पे. अच्छा, लिप्स पे दे रही हो? इससे थोड़े और मेरे प्लम्प और बड़े लगते हैं मुझसे अक्सर. ओके. बट ये क्योंकि मेरे स्किन से थोड़ा ही लाइट है तो इसको मैं स्मज कर दूंगी तो ये इससे बड़े लगते हैं बाहर की तरफ अगर स्मज. उसके बाद मैं अपना स्पंज या फिंगर भी लेके और उसको ब्लेंड कर दूंगी. स्क्रीन पर आ रहा है. मुझे पसंद है कि मेरे तुम साथ बेस भी करती जा रही हो. और अपनी स्किन पे मैंने सिर्फ सन ब्लॉक लगाया हुआ है. उसके बाद मैं फाउंडेशन या अपना क्रीम ऐसा यूज करती हूँ जो कंसीलर भी बन जाए और हाइलाइटर भी. ठीक है, ये फाउंडेशन बड़ा अच्छा है, उसकी कवरेज भी अच्छी है. मैं हमेशा. ये दोबारा बताओ उसका नाम क्या है? इसका नाम डर्मा कलर है. डर्मा कलर. और ये मैं अपने अंडर आई पे यूज करूंगी. क्रायोलिन का है ना ये? हाँ, ये दिखाया था कि कोई अपना टैटू छुपा रहा था इससे, मतलब इसकी कवरेज इतनी अच्छी है. काफी वाटर प्रूफ भी है. हाँ. और ये मैं अपने चीक बोन पे और जहाँ जहाँ तुमने हाईलाइट चाहिए कॉन्टोर लगाया है वहाँ तुम नहीं कर रही हो? नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं. ये हाईलाइट के पर्पस से मैं यूज कर रही हूँ और कंसीलिंग के लिए अगर कहीं ब्लेमिशेस या मुझे ब्राइटन करना है वहाँ यूज कर. अच्छा, इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन भी आपका फेयर हो. यस, ठीक है. ओके. काफी जल्दी हो जाता है. हाँ. पूरे स्किन पे देखें आप, एक शेडिंग हुई हुई है पहले से. इन्होंने कॉन्टोर का इस्तेमाल पहले ही किया है जहाँ जहाँ इन्होंने कलर देना था फेस पे. क्योंकि अगर आप खाली सपाट चेहरा बेस लगा लेते हो तो सपाट लगता है चेहरा. तो मैंने कलर सिर्फ बेस लगाया, मैंने कॉन्टोर कहाँ किया? इसका है, किरण का है, इनके कॉन्टोर्ड आई भी कॉन्टोर्ड है. तो हमारे तो इतने गोश्त अल्लाह मैंने सारा जितना भी था वो यहीं पे दे दिया है ना, बाजुओं का भी, हिस्से का भी. अच्छा, लेकिन मेरा एक एक चीज है कि जब आप ब्लश ऑन लगाते हैं और अगर आप ब्लश ऑन को भी थोड़ा सा इस तरीके से लगाएंगे तो वो आपको कॉन्टोर का लुक. अच्छा, काफी लोगों को वो पिंक लुक भी बहुत पसंद है, मुझे थोड़ा ब्रॉन्जी भी पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा कॉन्टोरिंग. सेम लाइक मी, आई लाइक मी ब्रॉन्जी लुक. उसके बाद मैं अपना लिप टिंट लूंगी. ये लिप और चीक टिंट है और ये मैं अपने हाथ में निकाल लेती हूँ ताकि एक जगह स्टेन ना करे. ठीक है. उसके बाद मैं इसे अपने चीक्स पे पैट करूंगी. इस तरह ब्लशिंग भी आ गया. यस. अच्छा, तुम लंबाई में लेके जा रही हो ताकि उससे मेरे चीक काफी लिफ्टेड लगते हैं. क्योंकि हमारे गोल गोल मुंह है तो तुम्हारे भी गले अच्छे हैं यहाँ पे. एग्जैक्टली, आई हैव गुड चीक्स. तो उसके लिए मैं लाइक वेरी नैरो जॉ लाइन. बहुत ही बड़ी लकी होते हैं ऐसे लोग. तो ये मैं काफी ऊपर तक लगाते हैं ऐसे उस साइड पे भी. ओके. हर एक अपना अपना स्टाइल होता है. तुमने अच्छा आज तक कभी जिक्र नहीं किया कि तुम्हारा मुसर्रत मिसबा से क्या ताल्लुक है? ओह यार, तो बताओ. मुसर्रत मिसबा मेरी खाला है. अच्छा. और बल्कि मुझे उनका भी मेकअप लाना चाहिए था आज करने के लिए. हमारी सगी खाला है. या शी इज माय मॉम्स फर्स्ट कजन बट वी ग्रू अप टुगेदर. अच्छा. और उसके बाद ही मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी. फिंगर से लगाना मुझे इसलिए बेहतर लगता है कि ये फिर स्टेन नहीं करता एक जगह.
ज्यादा नहीं लगता ना, वरना लिप टिंट ऐसा भी होता है टाइम्स कि वो धब्बा लग जाता है कहीं, हाँ, और वो ज्यादा बुरा लगता है। अच्छा तुमने अपने होठों के साइड्स को छोड़ा है? नहीं, मैं उधर लगा रही हूँ। अगेन वही बात है कि ये टिंट हर जगह इवनली थोड़ा मुश्किल से लगता है। ओके, बट दिस आल्सो हो जाएगा। यस, नो इट्स जस्ट अच्छा जस्ट अ टच। जब मैं ये लगाती हूँ ना कॉन्टोर स्टिक, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल से आता है। बट आई लाइक द नेचुरल लुक। उसके बाद मैं लेफ्ट ओवर अपना टिंट अपनी लिड के ऊपर लगाऊंगी। और तुमने क्रीज बनाई हुई थी कॉन्टोर से, वो ऑलरेडी बनी हुई है। हाँ, और मैं इससे अपने आंखों के ऊपर कलर दूंगी। ओके, क्या तुम लोग चैलेंज पे पूरे उतरे हो ना, सही। और इसके बाद अभी भी मेरे पास एक प्रोडक्ट रह गया है जिससे वो क्या है? वो मेरा काजल, ये लाइनर है। ये काजल लाइनर, यस, वो आप कोई भी ले सकते हैं और एज अ लाइनर। ओके, जब तो ये तो फुल मेकअप हो गया भाई। और आजकल की जो बच्चियां हैं वो इसी टाइप का मेकअप करती हैं, मतलब लाइक मेरी बेटी जो है वो ऐसा ही मेकअप कर रही होती है। जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनको इसी तरह का पसंद है, अगर उन्होंने शादी में भी जाना है ना तो वो यही मेकअप करेंगी। माय शादी मेकअप टू, जब मुझे भी कहीं शादी पे जाना होता है तो मैं ये, और अगर अंडर आई करना चाहे तो वो भी इससे। और इस तरह से लड़कियां अपनी एज की भी लगती हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि क्या एक जमाना ही होता था कि लाइक हम छोटे होते थे तो हमें ईद पे लिपस्टिक लगाने का शौक होता था। हाँ, हम अजीब अम्मा फतो लग रहे, पता नहीं था ना उस जमाने फैशन ही वो था। आजकल की बच्चियां हम शादी में लेके जा रहे हैं, वो अपने झुमके वगैरह पहन के टीके लगा कर वो अपने आप को वो कर लेंगी, लेकिन मेकअप उनका इतना ही होगा। एंड दैट्स इट, दैट लुक्स नाइस। वाओ, सो गुड, वेरी नाइस, क्विक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, है ना। अच्छा, यहाँ अभी बीनिश से मैं यही बात कर रही थी कि हम लोगों के यहाँ रिवाज नहीं है बालों के ऊपर बात करने का। हम मेकअप पे बहुत बात करते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल लुक मेकअप करने के बाद जो आता है वो जब तक आप बाल नहीं बनाए होंगे। देखा, मैंने पहले बांधा हुआ था। हाँ, अच्छा, मैं बांधे बगैर मुझे मेकअप में जरा मुश्किल होती है, लेकिन बांधा हुआ भी एक स्टाइल लग रहा था, वो भी एक स्टाइल था, वो बाल बहुत डिपेंड करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसको जो लुक दिखाने के लिए खोल दिया तो एक ग्लैमरस लुक आ जाती है। तो वही वाली बात है, अगर आपके बाल नहीं बने हुए हों तो फिर वो मेकअप जितना भी अच्छा वो हेयर इज एवरीथिंग, है ना। आई थिंक हेयर चेंजेस योर एंटायर लुक, एंटायर लुक, चाहे आप बाल बांध रहे हो, खुले रख रहे हो, टॉन्ग कर रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो, ऑल टुगेदर हर तरह की टेक्निक में आपके चेहरे का लुक और आपके मेकअप को भी कॉम्प्लीमेंट करना आपके हेयर को बहुत जरूरी होता है। हेयर कलर, इट आई थिंक इट्स अ होल तो जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे बजाते खुद देखने में बहुत मजा आया और मैंने इन चारों से बहुत कुछ सीखा कि आप चार चीजों से जरूरी नहीं है कि मेकअप के लिए आपको इतना कोई बड़ा बॉक्स, अगर आप सीखने भी जा रहे हैं या आप कोई सैलून शुरू करने वाले हैं उसके लिए तो आपको मेकअप चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मेकअप तभी अच्छा कर सकते हैं जब आपके बहुत सारा आपके पास सामान हो। अगर आपको मेकअप आता है, आपको समझ आ गई है, लॉजिक समझ आ गई, तो आप चार चीजों से भी अपने आप को सजा सवार सकते हैं। अब मियां बड़े खुश हो रहे होंगे कि हाँ भाई, हम तो सस्ते में छूट गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जब सब खुलेगा इंशाल्लाह तो फिर आप फुल मेकअप कीजिएगा, फुल जाके खरीदारी करें। तो जी, ये था हमारा शो, अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे एट होम। और एक एक इम्पोर्टेंट मैसेज नादिया हुसैन आपको दे रही है इन द एंड, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। जी नादिया, हाँ, बेसिकली जो, क्योंकि ये वायरस जो है ये हमारे जो यू नो म्यूकस है, स्प्यूटम है, उससे फैलता है। हाँ, मैं वो टिपिकल लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन प्लीज 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 जितना भी हो सके रोड पे थूकना, पान की पीके वगैरह, ये प्लीज मत करिए, क्योंकि इससे जो जर्म्स हैं ये और ज्यादा फैलेंगे, जो वायरस है ये कोरोना वायरस। और ये थूकने की आदत है हमारे अंदर, हमारे अंदर, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हों, हम सबके लिए बोल रहे हैं, है ना। कोई भी हो, थूके नहीं, और इस पे मैं तो कहती हूँ फाइन लगानी चाहिए। Exactly. बड़ा कमाई कर लेंगे वैसे। गुड मॉर्निंग, सोचिए, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़।